हैलो गर्ज व्हाट्सएप सो दिस इज सीए प्रणव योर एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन पेपर थ्री मैथ्स एल एलआर मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या हालचाल सर हालचाल तो बेहाल है क्योंकि कल एग्जामिनेशन है और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी अच्छे से नहीं बनते सर और उसमें से एक टॉपिक है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो क्यों चिंता करते हो भाई मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम लाई है क्या है स्कीम सर सबको बता दो स्कीम यह है कि दो घंटे के अंदर हम लोग

मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो सकते हैं तो जरूरत नहीं है पांच नंबर तो से आता ही है लेकिन क्योंकि हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर में कोई श्योरिटी नहीं होती किसी भी चैप्टर का वेटेज ऊपर नीचे कर देते हैं तो क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर में आपको प्रॉब्लम है इस वीडियो को पूरा जरूर 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 देखें तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग गेट स्टार्ट तो लेट फाइव। जैसा कि मैंने आपको बताया था का एक यूज ये है कि ये में भी आपको काम देता है दूसरा इसमें सर चार, से, चार पांच छः सात नंबर का आता रहता है ऑन एन एवरेज पांच मान लो लेकिन उसमें से एडवांस लेवल का कम आता है और मॉडरेट लेवल का ज्यादा आता है तो हमारा टारगेट कहां है सर हमारा टारगेट कहां है सर हमारा टारगेट है मॉडरेट लेवल पर यस हमारा टारगेट है मॉडरेट लेवल पर चलिए तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग रूल्स ऑफ काउंटिंग सबसे पहले सर मल्टीप्लीकेशन रूल अगर मैं तेरे को बोलता हूं तेरे को यह भी, भी करना है और यह भी करना है बोथ टुगेदर तुम प्लस करेगा या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगर चीजों में ऑप्शन है जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था तुम्हारे सामने पांच चॉकलेट रखी तीन बिस्किट रखे हुए हैं या तो पांच चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट उठा लो या तो तीन बिस्किट में से कोई एक उठा लो फाइव प्लस थ्री एट वेज अगर मैंने तुमको बोल दिया एक चॉकलेट भी उठा ले एक ये भी उठा ले तो तेरे पास दोनों साथ में करना है ना एक चॉकलेट भी चुननी है और एक बिस्किट भी चुनना है देन फाइव थ्री जो फिफ्टीन वेज वर देर याद आ रहा है याद आ रहा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रूल्स ऑफ काउंटिंग क्योंकि ये रूल्स ऑफ काउंटिंग ही बेस है पूरा अगर आपको ध्यान हो तो आगे चलकर कितने सारे क्वेश्चन में कहां प्लस लगाना है कहां मल्टीप्लाई लगाना है वो तभी समझ में आता है सर जब हम लोगों को रूल्स ऑफ काउंटिंग दिमाग में बैठा हुआ हो आपने देखा था वाला एग्जाम्पल पांच बसेस चार बसेस हैं दो टैक्सीज हैं आपको स्कूल जाना है टोटल वेज ऑफ गोइंग स्कूल सर छह तरीके हैं मेरे पास या तो चार में से कोई एक बस पकड़ लूंगा या तो दो में से कोई एक टैक्सी पकड़ लूंगा देर आर सिक्स वेज लेकिन सर ये देखो सिक्स वेज लेकिन अगर मेरे पास मैं सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं मैं बोला दो बातें एक तो तुमको जाना और एक तो आना है जाने में तुम्हारे पास चार ऑप्शन है बस के इन चारों में से किसी एक बस में जाओगे और आने के तीन ऑप्शन है अब तुम्हें दो काम करने टू गो टू द स्कूल इज वन टास्क टू कम बैक टू द फ्रॉम द स्कूल इज अनदर टास्क और एक के चार वेज है दू, दूसरे के थ्री वेज है तो दोनों साथ में करने के कितने वेज हो जाएंगे जल्दी बताओ चार जाने के तीन आने के फोर्थ थ्री जा टीप्लीकेशन जबरदस्त ये दो, ये देखो पूरा हमने डायग्राम से याद कर लिया सर परफेक्ट है हाँ। याद आ रहा भाई तो जब जब एंड लिखा होगा तब तब मल्टीप्लाई होगा उम्मीद है सभी लोगों को सारी चीजें याद आ रही हैं एग्जांपल थ्री ये देखो डेरी मिल्क चॉकलेट नंबर ऑफ वेज टू आइदर पिक वन चॉकलेट और वन चिप्स एट वेज या फिर वन चॉकलेट एंड वन चिप्स फिफ्टीन वेज देख रहे हो एग्जैक्टली exactly, एक एक चीज एक एक पल याद कर रहे हैं सर हम उसका तो समरी आपके सामने ये रही मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी समरी समझ सम्ण में आ गई है और अगर समझ में आ गई तो दिमाग की तीन तीन बत्तियां सारे बच्चे जला दीजिए चलो तीन तीन बत्तियां अगर अवेयरनेस के साथ सुन रहे हो और मात्र मात्र और मात्र स्पैमिंग नहीं लगे हो तो मेरी बातें सुनोगे तो तीन बत्तियां ही जलाओगे ज़्यादा नहीं जलाओगे ठीक है वरना स्पैमर कहलाओगे है ना वरना स्पैमर कहलाओगे चलो सुपर अब सबसे बड़ा बेसिक सर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जब हम पीएनसी की बात करते हैं सर तो फैक्टोरियल के बिना तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती ना सर क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले फैक्टोरियल पर बेस्ड भेजने चाहे परमिटेशन के हों चाहे कॉम्बिनेशन के हो फैक्टोरियल सर किसी भी नंबर का अगर आप निकाल रहे हो तो आपको कुछ नहीं जैसे फोर दिया है फोर का फैक्टोरियल है तो आपको फोर को उठाना है और रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन चालू कर दो फोर थ्री टू वन नेचुरल नंबर्स का चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि वन से मल्टीप्लीकेशन चालू करके उस नंबर तक जाओ जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वन टू थ्री फोर दोनों से ही आंसर आएगा नाउ फैक्टोरियल को दिखाते कैसे हैं सर फैक्टोरियल को या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखाते हैं नंबर के बाद या फिर एन कुर्सी अरे भैया एन कुर्सी किसको किसको याद आ रही है एन कुर्सी अरे कुर्सी भी एक नोटेशन है ये जो कुर्सी लगी हुई है ना एन में ये देखो एन इसमें कुर्सी बैठी हुई ये भी एक नोटेशन है समझ गया बात को चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई फाइव फैक्टोरियल वन टू थ्री फोर फाइव अब अगर तुम इसको जनरलाइज वे में दिखाना चाहते हो जनरलाइज वे में मतलब एन के फॉर्म में कि एन फैक्टोरियल क्या होता है तो तुम बोलोगे सबसे पहले एन ले लो फिर माइनस में उसका एक और कम कर दो एक और कम कर दो एक और कम कर दो और कब तक जाते रहोगे जब तक वन नहीं आता अरे भैया जब तक वन नहीं आता तब तक जाते रहेंगे यस और नो ये रहा तुम्हारे सामने फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑल्टीजियर्स फॉर वन टू एन बोथ इंक्लूसिव बहुत इंक्लूसिव तो एन तक गिनना है चाहो तो आप रिवर्स भी कर सकते हो मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंट एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री से लेके थ्री टू वन तक या तो फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट से लेके एन तक उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है सारे फैक्टोरियल आप लोगों ने मेरे साथ निकाले थे लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्टअप ये जैसे आपके सामने एट फैक्टोरियल दिया हुआ एट फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अब मैं तुमको बोलता हूं कि उसमें से अगर मैं सेवन से लेके वन तक की वैल्यूज को उठा लू सेवन से लेके वन तक की वैल्यूज को तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सेवन से लेके वन तक तो सेवन फैक्टोरियल हो गया तो वाई डोंट यू राइट फैक्टोरियल एट इंटू सेवन फैक्टोरियल यस यू कैन एब्सुलटली राइट इट डायरेक्टली राइट कर सकते हो वन मोर थिंग अगर मैं सिक्स से लेके वन तक की बात देखू तो वो भी तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन हो रहा है तो कैन आई राइट एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल ये बात सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्या सभी लोगों को यह वाली बात याद आ रही है ये बात सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी सर क्यों क्योंकि जब आपके पास बड़े फैक्टोरियल आते हैं जब उनको कैंसिल करना होता है सर तो उस समय फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऐसे कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि आप चीज़ों को पूरा सॉल्व करने की बजाय फैक्टोरियल के फॉर्म में रहने देते हो और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज बचा लेते हो उम्मीद है ये वाली बात भी सबको समझ में आ रही है येस और नो बहुत छोटी सी बात थी इसलिए दिमाग की सिंगल बत्ती तो जितनी बत्ती मैं जलाऊंगा कमेंट बॉक्स में तुम्हें भी उतनी जलानी है मतलब कनेक्ट हो गया ठीक है अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखो एट फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल तो एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन कौन करेगा इतनी मेहनत भाई एक काम करो ना एट फैक्टोरियल को तुम एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिख दो नीचे वाले को ओपन करने की जरूरत नहीं है अब तुम सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल करोगे तो ऑटोमेटिकली एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स बच जाएगा बात खत्म जबरदस्त नाउ नाइन फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल वही वाली बात है सिक्स सिक्स कैंसिल हो गया नाइन एट सेवन बच गए आंसर आ गया डन चलो तो यही स्पेशल ट्रिक थी सर कि आपको अगर एन फैक्टोरियल निकालना है तो आप कहीं भी रुक सकते हो इट स्टॉप एनी बस वहां जाके फैक्टोरियल का साइन लगा देना दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग तो अगर आप एन फैक्टोरियल लेके चल रहे हो एन माइनस वन में रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं फैक्टोरियल लगा दो आपको और आगे तक जाना है टू में रुकना टू में रुक जाओ, जाओ फैक्टोरियल लगा दो अरे थ्री तक जाना वहां जाके रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे चलते हैं ऐसे आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में भी काफ़ी काम आता है हालांकि ऑप्शन से हो जाते हैं हमारे बट कॉन्सेप्टचुली हमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए यस और नो परफेक्ट है अब देखो यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये क्या हो रहा है क्या आपने देखा कि मैं जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो मैं उस नंबर को लेकर रिवर्स भाग रहा हूं रिवर्स तो जब मैं एन माइनस टू का फैक्टोरियल निकालूंगा ना तो कई बच्चों को क्या लगता है एन माइनस टू के बाद माइनस करते जाऊंगा तो एन माइनस वन आना चाहिए एन माइनस नहीं मेरे भाई समझो बात को समझो बात को यहां पर क्या होता है अगर तुम पीछे की तरफ जा रहे हो तो एन माइनस टू को और पीछे जाओगे तो एन माइनस थ्री आएगा और पीछे जाओगे तो फोर आएगा और पीछे जाओगे तो फाइव आएगा वो नेगेटिव वैल्यूज है ना तो और नेगेटिव करने से उनकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी डोंट गेट कन्फ्यूज़ यस और नो कई लोग हो जाते हैं भाई ये देखो मैं तो भाई एकदम पागल हो गया था उस समय मेरे को ये भी बताना पड़ा था क्लास में कि बेटा माइनस टू और माइनस वन मिला के माइनस थ्री होता है आपको पता है हाँ जी ठीक है तो मजाक की बात है कोई बात नहीं अब जैसे ये देखो एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल दिया है तो तुम तुम्हारे एन माइनस टू फैक्टोरियल को एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल भी लिख सकते हो और इस पूरे को अगर तुम एन माइनस थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होगा ना तो एन माइनस टू तुम्हारे पास बच जाएगा क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही गाइस आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो परफेक्ट है चलो आगे बढ़ता हूं मैं अब मैं बात करता हूं कि हमारा कैलकुलेटर कहां तक लेकर जाता है तो फोर्टीन फैक्टोरियल तक निकालता है हमारा कैलसी बारह डिजिट का जो कैलसी होता है उसका कवरेज क्षेत्र मात्र और मात्र फोर्टीन फैक्टोरियल तक है तो क्या फोर्टीन फैक्टोरियल के आगे कोई भी क्वेश्चन दिख जाए मेरे को मान लो ट्वेंटी टू फैक्टोरियल दिख गया तो क्या मैं धरने पर बैठ जाऊंगा क्या मैं गिवअप कर जाऊंगा हो सकता है कि, कि किसी और तरीके से सॉल्व होता हो डिड होके कैंसिल हो जाता हो तो लोड नहीं लेने का भाई ठीक है बिल्कुल लोड नहीं लेने का चलो जैसे ये देखो ट्वेंटी सिक्स फैक्टोरियल अपॉन ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल तो डर क्यों रहे हो भाई ट्वेंटी सिक्स को ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर करके ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कैंसल करके ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव धरने पर बैठने का क्या मतलब है भाई चलो पहला एग्जाम्पल कुछ भी नहीं था उसमें दूसरे एग्जाम्पल में भी कुछ नहीं था ये कर चुके हैं ऑलरेडी अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनको आप सीधे ऑप्शन से कर सकते हो फिर भी हमने कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए चीज़ों को ऐसे किया था वन बाय नाइन वन बाई टेन फैक्टोर इक्व टू एक्स बाई एवन अब क्या दोनों तरफ जो फैक्टोरियल्स दिख रहे हैं ना टेन इलेवन अब देखो यार नाइन को तो मैं टेन बना नहीं सकता तो मुझे सबको नाइन के बराबर लाना है टेन फैक्टोरियल को मैं टेन इंटू नाइन फैक्टोरियल कर सकता हूँ इलेवन फैक्टोरियल को मैं इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन कर सकता हूँ इसके पीछे सोची समझी साजिश है कि तुम वन बाय नाइन फैक्ट्रोल यहाँ भी डालो सेकंड में भी डालो थर्ड में भी डालो ताकि कॉमन निकल जाए और कॉमन निकल के कैंसिल कर दो उसके बाद क्या होगा सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन बच जाएगी सिंपल सी एक्स वाली क्रॉस प्रोडक्ट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो भाई पांडू जी बोल रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है कृपया करके पांडू जी को गाइड करें कि वीडियो कैसे क्लियर होता है भाई क्योंकि मुझे लगता है मेरी तरफ से तो वीडियो क्लियर है पांडु जी थोड़ा देख लीजिए आप अब हम आते हैं सर परम्यूटेशंस में ये तो था बेसिक्स अब आता है पहला टॉपिक परम्यूटेशंस लेट्स बिगिन सर क्या दिया हुआ है अक्षय कुमार जी श्रद्धा कपूर जी और रणवीर सिंह जी ये तीनों खड़े हुए हैं फोटो शूट के लिए आए हुए हैं इनकी कोई नई मूवी आने वाली है अब कभी बीच में श्रद्धा जी खड़ी हैं और अक्षय जी उनके राइट में कभी लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो रणवीर जी हैं वो हैं तो इनको और कैसे कैसे फोटोग्राफर जो है अरेंज कर सकता है फोटोज लेने के लिए तो कितनी यूनिक वेराइटीज में इनको अरेंज करवा सकता है उसके अरेंज करने के कितने तरीके हैं वी हैव टू काउंट दैट तो पहले समझो इस पूरे चैप्टर में आपको काउंटिंग 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 करनी है ऐसा कितने तरीके से हो सकता है वैसा कितने तरीके से हो सकता है ये कितने तरीके से हो सकता है वो कितने तरीके, तरीके से हो सकता है बस यही दिमाग में रखो कितने तरीके कितने तरीके कितने तरीके समझ रहे हो ना ये देखो भाई तो मैं लो कभी ये बीच में कभी वो बीच में कभी वो बीच में कभी ये बीच में कभी ये राइट में कभी ये लेफ्ट में कभी ये लेफ्ट में कभी ये राइट में ऐसे करके अगर मैं काउंट करने जाऊं तो थ्री मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वेजा रहे हैं अभी क्या तीन लोग थे ना क्योंकि तीन लोग थे तो मैनुअली काउंट करना आसान था लेकिन मुझे बताइए सारे बच्चे अगर मैं तुमको बोल दूँ कि ऐसे दस सुपर खड़े हुए हैं और तुमको मैं बोल दूँ चलो मैनुअली काउंट करने बैठ जाओ क्या ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा मैनुअली करना नहीं ना तो क्या फील कर पा रहे हो फार्मूले क्या आप फॉर्मूला फिल कर पा रहे हो कैन यू फील द नीड ऑफ द फॉर्मूला वी नीड वी नीड फॉर्मूला वी नीड वी नीड फॉर्मूला जल्दी फील करो और फॉर्मूले को बुलाओ फील करो और फॉर्मूले को बुलाओ फील करो और फॉर्मूले को, को बुलाओ यस सर तो चलिए सर फॉर्मूला आएगा लेकिन उसके पहले हम परमिटेशन का मीनिंग समझ लेते हैं तो हम जिस चीज की काउंटिंग निकालने की बात कर रहे हैं ना तो आप उसको हर बार काउंटिंग मत बोलो उसको एक नाम दे दो इस प्यार को एक नाम दे दिया जाए द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग प्लस अरेंजिंग द थिंग्स ऑफ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ड्यू रिगार्ड इज बिंग पेड टू द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन इज कॉल्ड एज दिलेक्शन मतलब अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई ऐसा अरेंजमेंट करना है या फिर चीजों को सिलेक्ट करके फिर उनको फर्दर अरेंज करना है मतलब अल्टीमेटली अरेंज करना है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है तो ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं परमिटेशन यस और नो जैसे ये ए बी सी हैं इनको आप अरेंज करना चाहते हो तो इनकी ऑर्डर चेंज करने को भी काउंट कर रहे हो सिक्स वेज उसी तरह जैसे आप देखते हो यहाँ पर मान लो आपके पास कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें चार लोग हैं और दो विनर हैं तो पहले चार में से दो लोगों को चुनना होगा फिर उन दो लोगों को अरेंज करना होगा समझ रहे हो पिछला एग्जाम्पल सिर्फ अरेंजमेंट का है अगला एग्जाम्पल सिलेक्ट करके फिर अरेंज करने का है तो सिलेक्ट करके फिर अरेंज करने को भी परमिटेशन ही बोलेंगे सिर्फ सिलेक्ट करने का होता है तो कॉम्बिनेशन बोलते हैं उम्मीद है कि आपको ये बात याद आ रही है चलो सर नो प्रॉब्लम प्लीज़ कोई बता दो वीडियो क्लियर कैसे होगा बेटा एक सेटिंग होती है वीडियो सेटिंग्स वाली ठीक है वहां से हो जाता है क्वालिटी वहां से आप 360p मिनिमम कर दो तो दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है जी बाकी अपने यहाँ से तो एकदम एच चल रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है एकदम एच चल रहा है अपने यहाँ से ठीक है तो पी क्यू क्यू पी पी आर आर पी पी एस एस पी क्यू आर आर क्यू क्यू एस एस क्यू आर एस एस आर

तो मेरे पास चार लोग चार में से चारों को अरेंज करना है तो सिंपली चार में से चार को अरेंज कर दो तो मैं काउंट करने बैठ गया कि एक का नाम पी एक का नाम क्यू एक का नाम आर लेकिन बहुत मेहनत लग रही थी भाई ये ट्वेंटी फोर मेरा आंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं है ट्वेंटी फोर मेरा आंसर आ गया लेकिन बहुत मेहनत लग रही थी तो आपको तो पता ही है भाई कि इस मेहनत को कम कैसे किया जा सकता है तो नीड ऑफ मैथ्स नीड ऑफ थ्योरम हम अभी तक ये सोच रहे थे कि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हमको परेशान करने आए जबकि ऐसा नहीं है ये तो सर ऐसे सवालों का उत्तर देने आए हैं जब आपको मैनुअली काउंट करना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जहां पर चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं समय बहुत ज्यादा लग जाता है वहां ये फॉर्मूले वहां ये थ्योरम तुम्हारा काम करते हैं तो जैसे जैसे एन की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना वी विल नीड फॉर्मूला यस और नो सर परफेक्ट तो नाउ आता है थ्योरी ऑफ परमुटेशन थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन बेसिकली तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स चूजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट अब मुझे एक बात बताओ यार अगर मेरे पास तो, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं पांच तो क्या उसमें से मैं छह चीज़ों को चुन सकता हूं नहीं ना इसका मतलब श्योर है सर कि तुम्हारी जो आर की वैल्यू है, जितने लोगों को तुम्हें चुनना है वो एन से कम होंगे या मैक्सिमम एन के बराबर हो सकते हैं जैसे मान लो देर आर टेन ऑब्जेक्ट्स तो तुम जो चूज कर रहे हो इट कैन बी फाइव इट कैन बी सिक्स इट कैन बी सेवन इट कैन बी एट इट कैन बी नाइन अप टू मैक्स टेन बट इट कैन नॉट बी एलेवन आई होप ये बात समझते हो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू आर इट कैन नेवर बी लेस देन आर आई होप समझते हो अच्छा जो एनपीआर निकलता भाई उसका फॉर्मुला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल कंडीशन है एन मोर देन इक्वल्स टू आर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर क्यों एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर अरे भाई एन इसलिए पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि एन एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी पॉइंट में भी नहीं होते कभी नेगेटिव भी नहीं होते प्रैक्टिकल चीजों की काउंटिंग है ना काउंटिंग कभी नेगेटिव थोड़ी होती यार इट्स नॉट अ नंबर इट्स काउंटिंग काउंटिंग कैन नेवर बी नेगेटिव यस और नो परफेक्ट नाउ वो जो हमने दो एग्जाम्पल्स किए थे सर उनको जब हमने फॉर्मूले से किया तो भी हमारा आंसर आ गया नाउ द है इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट सर कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं तो वो मैं थोड़ा सा लिख के फिर से आपको याद दिलवाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है कि आपको निकालना है सेवन पी थ्री तो फॉर्मूले से आप जाओगे तो करोगे सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल है ना ये आपका हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल अपॉन ऑन फोर फैक्टोरियल फिर सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल फिर फोर फैक्टोरियल कैंसिल करोगे सेवन सिक्स या फोर्टी टू इंटू फाइव टू हंड्रेड टेन मेरे हिसाब से टू हंड्रेड टेन आपका इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी हम इसे सीधे निकाल सकते थे कैसे सर हाउ कैन वी फाइंड आउट डायरेक्टली कैसे सीधे निकाल सकते थे देखो बहुत सिंपल सी बात है बहुत सिंपल सी बात है आपकी जो भी एन की वैल्यू है उससे शुरुआत करो और रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन चालू कर दो सेवन सिक्स और कब तक जाओ कब तक जाओ कब तक जाओ

और जब तक तीन ना हो जाए तब तक लोगों को मल्टीप्लाई करते रहो सिंपल तो अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दू करने के लिए क्या आप लोग अभी तुरंत फटाफट करोगे 12, P फोर चलो शुरू हो जाओ भाई शुरू हो जाओ गुरु अरे गुरु हो जाओ शुरू वन टू थ्री लेट्स बिगिन देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देता है ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन कौन देता है कौन देता है उत्तर सबसे पहले तो सबसे पहले इतने सारे लोगों में उत्तर दिया है जय पाठक जी ने रिया गर्ग प्रतेश बहुत बढ़िया शानदार 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 ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी सर कैसे आया ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी अरे कहां ध्यान है तुम्हारा भाई बारह ग्यारह दस नौ सर पिछली बार तो आपने तीन लोगों को मल्टीप्लाई किया था इस बार चार लोगों को क्यों किया बेटा पिछली बार आर की वैल्यू तीन थी इस बार आर की वैल्यू चार है इसलिए चार को किया है वेरी सिंपल अरे डैम सिंपल अरे डैम सिंपल डैम सिंपल वेरी डैम सिंपल चलो कूल नेक्स्ट अब देखो ये शॉर्टकट मैंने यहाँ लिख दिया मुझे उम्मीद है कि आप सभी को परमिटेशन का शॉर्टकट याद हो गया आप कोई भी गलती नहीं करेगा परमिटेशन की वैल्यू निकालने में और साथ में आपको एक थ्योरी पार्ट भी पता चल गया कि नंबर ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है सर वो है आर के बराबर नाउ प्रूफ ऑफ जीरो फैक्टोरियल हमने एक क्वेश्चन किया था कि तीन लोग हैं आपस में तीन लोग तीन लोगों के नंबर ऑफ परमिटेशन कितने आए थे आलिया आलिया बोल रहा हूँ यार क्या नाम है उसका श्रद्धा रणवीर सिंह और अक्षय कुमार ये तीन लोग थे तो छः आया था नंबर ऑफ वीज पर जब मैं इसको फॉर्मूले से करने बैठा ना जब मैं इसको फॉर्मूले से करने बैठा तो यार मैं एक जगह जाके अटक गया क्योंकि फॉर्मूले ने मुझे बोला था n माइनस आर फैक्टोरियल तो नीचे आ गया जीरो फैक्टोरियल मुझे पता था कि मुझे सिक्स तक पहुंचना है पर मेरा डिनोमिनेटर में जीरो फैक्टोरियल आ गया तो मैंने बोला यार सिक्स फैक्टोरियल अपॉन जीरो वो सिक्स सिक्स अपॉन जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू सिक्स तो फिर मुझे मानना पड़ा कि जीरो फैक्टोरियल वन ही तो होगा तभी ना सॉल्व होगा जीरो फैक्टोरियल वन होगा तभी ना सॉल्व होगा यस और नो बस हो गया चलो कुल cool. ए यार तुम लोग क्या यार क्या ध्यान ध्यान मत भटकाओ यार तुम लोग यार पढ़ाई करवाने दो यार ऐसे मस्ती नहीं चलती यार चलो अब दूसरी बात बताइए अगर मैं तुमको बोलता हूँ देर आर फाइव ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर चूजिंग ऑल देर एन ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर चूजिंग ऑल द एन ऑब्जेक्ट्स तो एन पी एन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल दैट सिंपल एन पी एन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल सीधे 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 डैम सिंपल समझ रहे हो मेरी बात को सो एन पी एन इक्ल्स टू एन 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 फैक्ट्री एन माइनस एन मतलब एन फैक्ट्रोल जीरो मतलब एन फैक्टोरियल कंप्लीट तो आपको तब थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं सीधे फैक्टोरियल करोगे आपका आंसर आ जाएगा अब जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिक्स टाइम्स ऑफ एन थिंग्स टेकन थ्री एट अ टाइम और इज इक्वल्स टू सेवन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन थिंग तो वहाँ पर आपका वो वाला जो ट्रिक था ना कि एक माइनस कर देते वो यूज़ आने वाला देखो एन को एन माइनस वन कर दिया यहाँ पर एन माइनस वन को वैसे ही रहने दिया यहाँ एन माइनस वन माइनस थ्री एन माइनस फोर है तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका फैक्टोरियल वाले कैंसिल कर दी बाकी बात बाकी हो सॉल्व कर दिया सिंपल दैट्स इट दैट्स इट लोड नहीं लेने का उसमें पर वो चीज़ें ऑप्शन से हो जाती हैं चलो देखो ये जैसे क्वेश्चन था आपका एम सी क्यू एग्जाम्पल वाला एन पी फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व एन पी टू तो कुछ नहीं मैं एक बार एन की वैल्यू को एल एच एस में डालूंगा एक बार आर एच एस में देखूंगा जहाँ मेरा एल एच एस और आर एच एस मैच कर जाए वो मेरा सही आंसर है फिर भी तुम्हें अगर करना है तुमको बड़ी पड़ी है कि भाई नहीं मेरे को सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट है तो वो भी मैं सिखा चुका हूँ ठीक है सर नो प्रॉब्लम कुणाल गुप्ता बोल रहे है, सर आपकी प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट मिल नहीं रही है कैसे ढूंढते हो भाई कैसे ढूंढते हो हैं कैसे ढूंढते हो तुम तो? साफ साफ सामने सामने रखी हुई है बहुत गजब बोल दिया तुमने ये बहुत गलत बात कर दी तुमने अत्यंत गलत बात कर दी ये देखो सी ए लाइव डेली खोला मैंने ये सी ए लाइव डेली खोला ये मैंने अपना टैब खोला ये यहाँ पे आओ देखो ये देखो यूट्यूब प्ले लिस्ट प्रोबेबिलिटी बड़े बड़े शब्दों में दिखाऊँ क्या ये देखो ये देखो ये देखो इसको क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा ये आगे पूरी प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट पूरे नौ लेक्चर और ज़्यादा ही लेक्चर हैं बारह लेक्चर हैं बताओ भला हद होती यार गजब बेच जाती बताओ हाँ चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या दिया क्वेश्चन इलेवन में सर एम प्लस एन पी टू फिफ्टी सिक्स एम माइनस एन पी टू थर्टी क्या करें कुछ नहीं एक बार ऑप्शन ए से एम और एन की वैल्यू डाल के चेक कर लो फिफ्टी सिक्स आ रहा है कि नहीं और दूसरे में डाल के चेक कर लो थर्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो सही है नहीं आ रहा तो जय श्री राम आगे बढ़ गए चलो स्पेशल फार्मूला मस्ट रिमेंबर एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल टू एन इन टू एन भाई ये बहुत काम आता है याद है वो आर डॉट आर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन पर ये बना कैसे अरे बहुत सिंपल फंडा है भाई इसके पीछे बहुत सिंपल फंडा है ये बना कैसे होगा एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल ना भाई एन प्लस वन फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो एन प्लस वन एन प्लस वन माइनस वन एक पीछे वन वन कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एन प्लस वन माइनस वन तो क्या हो गया एन फैक्टोरियल एन सिंपल याद रख लो रे इसको तो कुछ भी नहीं है याद रखने वाला यही है ठीक है चलो तो एक्सरसाइज फाइव है हमने देखा फोर पी थ्री कुछ भी नहीं है इसमें फोर पी फोर कुछ भी नहीं है इसमें सेवन फैक्टर सीधे कुछ भी नहीं है जीरो फैक्टर वन होता है एनपीआर में एन हमेशा इंटीजर होता है कतई पॉजिटिव इंटीजर होता है पीछे ए दिया हुआ कतई रॉन्ग है कतई रॉन्ग है एनपीआर द रेस्ट्रिक्शन इज एन की वैल्यू हमेशा आर से बड़ी या इक्वल हो सकती है छोटी नहीं हो सकती कभी छोटी नहीं हो सकती ठीक है चलो एनपीआर एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते कितनी बार बता चुका हूं नंबर ऑफ फैक्टर अरे कितनी बार बता चुका हूं नंबर ऑफ फैक्टर आर के बराबर इलेवन पी फाइव निकालना है तुमको तो इलेवन टेन नाइन एट सेवन कितने लोगों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो पांच लोगों को आर की वैल्यू फाइव खत्म बात एनपीआर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कुर्सी वाले फॉर्मेट में लिख दो फॉर्मुले को फॉर्मुला इन द कुर्सी फॉर्मेट ऑप्शन है खत्म बात ये वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर एन की वैल्यू पुट करके यहाँ भी वही कर दोगे एन की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर दोगे इलेवन भी कर चुके हैं यहाँ पर तुम आर की वैल्यू पुट कर दोगे ऑप्शन से यहाँ पर फिर से एन वन एन टू पुट कर दोगे स्पेशल फॉर्मुला ये मैंने तुमको करके दिखा दिया था अभी बात खत्म अब बात आती है सर यूज ऑफ परमिटेशन इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब अभी तक तो सीधा सीधा पूछा जा रहा था लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ के हमको समझना पड़ेगी परम्यूटेशन से और फिर उसको सॉल्व करें वहीं तो मज़ा है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में परम्यूटेशन लगना है या कॉम्बिनेशन ये भी एक ओपी लेवल की अंडरस्टैंडिंग जिसकी होगी वो समझ पाएगा यस और नो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली वैरायटी आती है में नंबर फॉर्मेशन की आपके पास एक नंबर दिया है उस नंबर में गिवन डिजिट्स हैं या तो फिर साथ ही साथ आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं कुछ भी हो सकता है फिर आपको बोलेगा कि इन डिजिट्स की मदद से नंबर बनाओ बशर्ते रिपीट ना हो नंबर तो जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग तो यही मानते हैं ना कि रिपीटेशन नहीं है तो रिपीटेशन है ऐसा कब मानोगे रिपीटेशन है ऐसा तभी मानोगे जब स्पेसिफिकली बोला है कि रिपीट हो रहा है वरना रिपीट मत तो मानना अपने मन से ठीक है गाइस चलो सो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर वी यूज परमिटेशन क्यों परमिटेशन क्योंकि देखो यार अगर मैं तुमको बोलूं 623 और अगर मैं तुमको बोलूं 632 क्या ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं तुम खुद बताओ सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री और सिक्स हंड्रेड थर्टी टू क्या ये सेम है क्योंकि दोनों में तो सिक्स टू थ्री है अरे भाई बदल गया कहानी बिल्कुल बदल गई मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में सीक्वेंस बदल जाने से डिजिट का सीक्वेंस बदल जाने से क्या नंबर बदल जाता है ऑब्वियसली बदल जाता है वेरी सिंपल इसलिए यहां पर परमिटेशन लगेगा तो देखो यार दिस चैप्टर इज़ नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशन दिस चैप्टर इज अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड दैट वाई इट इज़ परमिटेशन और इस पर हमने बहुत फोकस किया था और हमारी परम ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर सबसे ज़्यादा होती है कैलकुलेशन करना तो किसी से भी बन जाता है यार दो चार बार रिपीट करवा दो तो बंदा रट लेता है कैलकुलेशन को भी यस और नो ना रेस्ट्रिक्शंस सर कभी कभी इन क्वेश्चन में ना रेस्ट्रिक्शंस आते हैं और जब क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन आते हैं तो देखना किस किस टाइप के आते हैं अगर क्वेश्चन में जीरो लिखा हुआ है तो बिन कही रेस्ट्रिक्शन है बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ में रे रम पा रे रम पा रे ठीक है तो जीरो अपने आप में एक हिडन कंडीशन है जो बोलती नहीं है पर वो कंडीशन है मतलब क्यों क्योंकि तो जीरो से नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता अच्छा ओके 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 सेकेंड पॉइंट इफ देर इज अ रेस्ट्रिक्शन दट द नंबर शुड बी लार्जर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू देन वी विल यूज काउंटिंग रूल याद आ रहा है आपको अगर मान लो आपको बोल दे कि ये चार डिजिट का नंबर बनाओ पांच हजार रुपए से बड़ा होना चाहिए पांच हजार से बड़ा होना चाहिए तो उसकी जो पहली डिजिट होगी ना उसको सेपरेट सॉल्व करूंगा बाकी तीन डिजिट को सेपरेट सॉल्व करूंगा स्प्लिट अप कर दूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ उस समय रूल्स ऑफ काउंटिंग लगाऊंगा कि बताओ पहली प्लेस में कितने लोग आ सकते हैं फोर वेज दूसरे प्लेस में कितने लोग आ सकते हैं ऐसे करके एक एक करके काउंटिंग रूल करते हैं अभी तो हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे तो सब समझ में आएगा बट अभी एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ फर्दर रेस्ट्रिक्शन जो भाई उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन चलो जैसे ये देखो बच्चे को वन टू तो थ्री फोर खेलने के लिए दिया तो अपने हिसाब से कुछ भी अरेंज कर सकता है ना यार अच्छा कई बच्चों को इतने बड़े बड़े हो गए हैं अठारह अठारह साल के हो गए सत्रह सत्रह साल के हो गए डिजिट और नंबर के बीच में फर्क नहीं समझ में आता डिजिट और नंबर के बीच में अभी जैसे मैं तुमको बोलूं टू हंड्रेड टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टीन तो ये एक नंबर है और टू वन और थ्री इसमें पाए जाने वाले डिजिट हैं उम्मीद है कि सब लोगों को डिजिट और नंबर के बीच में अंतर पता है ना भाई डिजिट और नंबर के बीच में अंतर पता होना चाहिए ना बेटा डिजिट मतलब जैसे वर्ड और लेटर होते हैं ना वैसे डिजिट और नंबर सर हमको तो वर्ड और लेटर भी समझ में नहीं आता हमको तो लगता है वर्ड और लेटर एक ही तो बात है अरे भाई लेटर मतलब एक एक अक्षर को बोल रहा हूँ वर्ड मतलब उसका पूरा कॉम्बो समझ रहे हो बात को ठीक है ऐसा तो देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर आपको बनाने हैं आउट ऑफ दीज डिजिट्स टू फाइव सेवन एट नाइन और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए तो आप देखो आपके पास पांच पॉसिबल डिजिट्स हैं उन पांच में से आपको पहले चार नंबर चुनने होंगे अरे मैं भी नंबर बोल दिया मैं भी देखो संगति का बुरा असर उनमें से चार डिजिट चुनने होंगे ताकि एक चार डिजिट का नंबर बन सके तो नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर विल बी फाइव में से फोर कोई डिजिट चुना और फिर उनको अरेंज कर दिया तो वो बन गया हमारा फाइव पी फोर दैट इज़ फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू वन ट्वेंटी इसी सेम चीज़ को आप काउंटिंग रूल से कैसे कर सकते हो मैं बोलता हूं बताओ भाई चार डिजिट के नंबर में कितनी प्लेसेस होती हैं चार डिजिट के नंबर में हमको कितनी प्लेसेस भरनी होती हैं मैंने बोला चार डिजिट के नंबर में चार प्लेसेस भरनी होती हैं तो पहली प्लेस को भरने के पांच तरीके तो उसमें टू भी आ सकता है फाइव भी आ सकता है सेवन भी आ सकता है एट भी आ सकता है नाइन भी आ सकता है फिर क्योंकि पहली प्लेस में कोई एक नंबर ऑक्यूपाई हो गया होगा तो अगली प्लेस के लिए कितने लोग बच गए चार लोग बच गए फिर अगली प्लेस के लिए तीन लोग बच गए फिर अगली प्लेस के लिए दो लोग बच गए क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों अरे प्यारे प्यारे दोस्तों जल्दी बताओ प्यारे प्यारे दोस्तों समझ पा रहे हो मेरी बात को यस और नो अरे यस और नो यस और नो यस और नो या मैन परफेक्ट चलो अरे भैया अमन जी थोड़ा रुक जाएंगे एग्जैक्ट आठ बजे मैं छोड़ूंगा और एग्जैक्ट आठ बजे आई सर चालू कर देंगे टेंशन मत लेना ठीक है तो आई सर शुरू का इंट्रोडक्शन देंगे तब तक तुम पहुँच जाओगे टेंशन मत लेना हमारी पहली बात होगी यार टीम वर्क करते हैं यार तुम यार कैसे यार टीम वर्क समझते नहीं हो हमारा यार इतने दिन हो गए चलो अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोल दे कि ये डिजिट रिपीट भी हो सकते हैं रिपीट अभी तो जब कुछ नहीं बोला होता तो मैं यही मानता हूं कि डिजिट रिपीट नहीं है हालांकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख दिया था बट फिर भी मान लो कि वो बोल दे कि डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो फिर क्या करोगे तो मैं बोलूंगा देखो पहली प्लेस पर भी चार पांच डिजिट आ सकते हैं दूसरी प्लेस पर भी पांच डिजिट आ सकते हैं तीसरे में भी पांच डिजिट आ सकते हैं और चौथे में भी पांचों आ सकते हैं फाइव 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 तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है तो देखो फंडा क्लियर होगा तो फॉर्मूले के पीछे नहीं पड़ जाना पड़ेगा तुम बैठे बैठे फॉर्मूला बना लोगे बैठे बैठे फार्मूला बना लोगे ठीक है अब जैसे ये क्वेश्चन देखो थ्री डिजिट का नंबर बनाना है टू सिक्स एट फाइव वन फोर में से और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सिक्स बी थ्री रिपीटेशन अलाउड है तो क्या कर दोगे सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स बात खत्म हालांकि रिपीटेशन अलाउड वाला क्वेश्चन आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए ना कल को आ गया पेपर में तो अब जैसे देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है कुछ नहीं बोल रहा बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए ठीक है तो चार डिजिट का नंबर बनाना है जीरो वन टू थ्री फोर में से और बोल रहा बताओ कितने बनाओगे अब भाई फ्लो फ्लो में हम कर गए फाइव पी फोर जबकि फाइव पी फोर गलत आंसर है क्यों क्योंकि जीरो अपने आप में कंडीशन है कि जीरो पहली प्लेस पर नहीं आ सकती तो फिर कैसे करेंगे सर इसको फिर हम ऐसे करेंगे कि हम ये बोलेंगे देखो जो पहली प्लेस है आपकी पहली प्लेस इस पहली प्लेस पर वन टू थ्री और फोर सिर्फ चार ही पॉसिबल डिजिट्स हैं चलो तो चार ही उस जगह पर सिर्फ इन चारों में से कोई एक डिजिट आ सकता है तो फोर वेज फिर मैं बोला दूसरी जगह पर बोले दूसरी जगह पर तो सब कोई आ सकते हैं जीरो भी आ सकता है वन भी क्योंकि ये देखो ना टू थाउजेंड वन हंड्रेड टू थाउजेंड एंड थर्टी फोर ये तो एक नंबर फोर डिजिट का ही है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो सेकेंड डिजिट सेकेंड प्लेस पर जीरो जा सकता है क्या जा सकता है पर सेकेंड प्लेस पर पांच ऑप्शन तो हैं पर एक तो ऑलरेडी ऑक्युपाई हो गया ना सेकेंड प्लेस पर पांच ऑप्शन लेकिन एक तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया तो यहां पर तुम्हारे पास चार वेज बच गए फाइव माइनस फोर और फिर एक एक कम करते गए तुम भाई कि पांच में से एक यूज़ हो गया चार बचे फिर एक यूज़ हो गया तीन बचे फिर एक यूज़ हो गया दो बचे मज़ा आ गया ना भाई और क्या चीज ज़िंदगी में अच्छा तुम लोग ना बहुत कंजूसी करते हो यार जब वीडियो ख़त्म हो जाता है अपलोड हो जाता है रात को सोने से पहले एक बढ़िया सा कमेंट नहीं डाल सकते दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते क्या कोरिलेशन रिग्रेशन में लोगों ने कमेंट ही नहीं किए मतलब मुझे लग रहा है मेरे को मेरा पढ़ाया वो समझ ही नहीं आया तुमको कोरिलेशन वाला वो वन शॉट रिविजन बताओ भला मतलब बोलना पड़ता है हर चीज़ हद हो गई यार देखो सौ रुपये की टोपी कर रहा है कुछ आगे अरे कुछ भाई टोपी बाद में बेच लेना पहले मेरी बात पे ध्यान दो बाद में टोपी बेच लेना पूरी जिंदगी बची है टोपी बेचने के लिए टेंशन नहीं है अपन को ठीक है चलो हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फाउंड आउट ऑफ वन टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन इफ नो डिजिट इज़ रिपीटेड सिंपल तुम्हारे पास वन टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन दिया हुआ है तो कितने डिजिट हैं अब कई बच्चे ना इसको नौ काउंट कर लेते हैं देखते नहीं है कि बीच में से चार को गायब कर दिया इसको भी नौ काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन चार भी गायब कर दिया छह भी गायब कर दिया अच्छे से काउंट करो तीन तीन छह और एक सात ही डिजिट है वहां पर तो सात में से आपको चार डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन और कहीं भी जीरो नहीं है तो सिंपल आंसर आ गया लेकिन लेकिन दूसरा पार्ट बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन तीन हजार ये जो 840 नंबर बनेंगे ना उन 840 नंबर में से कितने नंबर ऐसे होंगे जो तीन हजार से बड़े होंगे रे बाबा कितने नंबर ऐसे होंगे जो एक हजार से बड़े होंगे नहीं मुझे जेन्युइन कमेंट चाहिए भाई एक हजार मत करो तुम स्पैमिंग मत करो कमेंट की लेकिन जेनविन वाले चाहिए जेनविन वाले ताकि क्या होता है जब ये सर्च में जाता है ना कोई देखता है तो लिटरली अगर ये यूजफुल होगा सामने वाले को मदद होगी सिंपल सी बात यह मतलब तुम बैठे बैठे देखो तुम बैठे बैठे दूसरों की मदद कर सकते हो फ्री में तुमको अलग से टाइम भी नहीं निकालना इतना सा काम करना बस ठीक है चलो तो तीन हज़ार से ऊपर अगर वो बोल रहा है इसका मतलब अपने आप दिमाग चलना चाहिए कि चार डिजिट के नंबर में जो पहली डिजिट होगी ना पहली प्लेस होगी वहां पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं आ सकता जो पाँच से छोटा हो मतलब फाइव आ सकता है सेवन आ सकता है एट आ सकता है नाइन आ सकता है मतलब देयर आर अच्छा तीन हजार से ऊपर है तो थ्री फाइव सेवन एट नाइन पांच डिजिट्स आ सकते हैं ये फाइव आ गए ये फाइव डिजिट्स पॉसिबल है यहां पर पहली प्लेस में अब देखो टोटल तुम्हारे पास सेवन डिजिट्स हैं दूसरी प्लेस पर तो सात के साथ सारे आ सकते हैं लेकिन एक तो ऑलरेडी यूज हो गया ना और रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है तो सिक्स फिर एक कम कर दिया फाइव फिर एक कम किया फोर उसके बाद तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना एक, एक एक कम करते जाओ बस जब कंडीशन नहीं है तो एक, एक एक कम करते जाओ बात खत्म आई होप सिक्स हंड्रेड सबको समझ में आ गया उम्मीद है एवरीथिंग इज गोइंग वेल फाइन एकदम परफेक्ट द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन फाइव थाउजेंड दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट थ्री फोर फाइव सिक्स नो डिजिट इज रिपीटेड कुछ नहीं भाई पाँच हज़ार से ऊपर बोल रहा है ना मतलब पहली जगह पर फाइव सिक्स और सेवन आ सकता है बस दैट्स ऑल नथिंग एल्स उसके बाद ये देखो बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट मतलब बोल रहा है देखो मान लो मेरे पास पांच डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव और मुझे एक तीन डिजिट का नंबर बनाना है तो फाइव पी थ्री बात खत्म सिक्सटी लेकिन कंडीशन नंबर वन मैं मान दूँ मान लूँ कि कोई एक स्पेसिफिक डिजिट से वो शुरू हो रहा है अब वो स्पेसिफिक डिजिट कुछ भी हो सकता है तो मैंने बोला पहली जगह तो फ्रीज हो गई कि वहां वही आएगा बस और कोई नहीं आएगा अब वो ब्लॉक हो गया तो बच्चे चार डिजिट तो फोर और फिर थ्री पाँच में से एक ब्लॉक हो गया बच्चे चार फिर चार में फिर एक और ब्लॉक हो गया तो बच्चे तीन हो गया वन इंटू फोर इंटू थ्री मतलब अगर रेस्ट्रिक्शन डाल देना तो चीज़ें और कम हो जाती हैं क्योंकि तो फिर नंबर ऑफ येस कम हो गए ना अभी तुम किसी को खुला छोड़ दिए कि हाँ तुम्हें जितने नंबर बनाने बना लो फिर तुम एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि नहीं वो इसी से शुरू होना चाहिए आइर वो सेवन से ही फाइव से शुरू होना चाहिए या फिर वन से शुरू होना चाहिए समझ रहे हो मेरी बात को यह सुनो तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना क्वेश्चन की वैरायटी की दिक्कत नहीं है वो तुम खुद कर लोगे सारे ठीक है चलो तो ऐसे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पूरी याद करो फिर से पूरा 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 लेक्चर याद करो दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ बिगेन ऑल्सो विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ ऑल्सो स्पेसिफाइड डिजिट तो शुरुआत भी वन से किसी एक डिजिट से हुई अंत भी किसी दूसरे डिजिट से हुई लेकिन ये दोनों ही ब्लॉक हो गए ना तो यहां पर यही आएगा यही आएगा अब बचे क्या बीच की प्लेस बची और तीन डिजिट बचे ओनली थ्री वेज अरे हाँ भाई ओनली थ्री वेज ओनली थ्री वेज समझ गए बात को चलो ना वन टू थ्री फोर फाइव थ्री डिजिट ठीक है हो गया अब आगे बढ़ता हूँ मैं अब ये देखो टोटल नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर दैन टू थाउजेंड दैट कैन बॉम्ड विद द डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव नो डिजिट बींग रिपीटेड इन द एनी नंबर अब यहां पर ना साइलेंट एक कंडीशन है उसने बोल दिया दो हजार से बड़ा नंबर बनाओ यार नंबर बनाओ उसने ये नहीं बोला उसने ये नहीं बोला कि वो नंबर फाइव डिजिट का होना चाहिए और फोर डिजिट का तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि फोर डिजिट का भी बन सकता है और फाइव डिजिट का भी बन सकता है लेकिन एक बात बताओ एट अ टाइम एक साथ फोर डिजिट और फाइव डिजिट दोनों के नंबर बन जाएंगे क्या नो no. तो आइदर अ नंबर विल बी ऑफ द फोर डिजिट और द द नंबर विल बी ऑफ फाइव डिजिट एंड वेन आई एम सींग आइदर या और तो काउंटिंग रूल से याद आना चाहिए बीच में प्लस लगेगा अब क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटो फोर डिजिट नंबर को अलग सॉल्व करो फाइव डिजिट नंबर को अलग सॉल्व करो आइदर फोर डिजिट नंबर कैसे निकालोगे सर फोर डिजिट नंबर जो कि दो हज़ार से बड़ा हो तो पहली प्लेस पर वन आ नहीं सकता तो बचा टू थ्री फोर फाइव चार प्लेसेस हो गई दूसरी प्लेस पर पाँचों आ सकते लेकिन एक ऑलरेडी ब्लॉक हो गया तो फोर इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू बात खत्म ये हो गया नाइनटी सिक्स अब फाइव डिजिट नंबर की बात करूं तो वहां तो कोई कंडीशन नहीं है ना क्योंकि फाइव डिजिट नंबर तो ऑलरेडी दो से बड़ा है तो फाइव आंसर इज वन दोनों को ऐड किया आ गया टू उम्मीद है कि मेरे सारे भाइयों और बहनों को वर्ड नंबर फॉर्मेशन का फ्लो बन गया है अगर आपको नंबर फॉर्मेशन समझ में आ गया है तो दिमाग की मात्र और मात्र दो बत्तियां जला दीजिए वीआईपी प्रॉब्लम ये क्या होता है सर नंबर फॉर्मेशन में एक एग्जांपल एग्जांपल नंबर सेवन जहां पर आपको बोला है कि यार देखो मेरे पास चार डिजिट है वन थ्री फाइव सेवन इन चार डिजिट से जितने नंबर बन सकते हैं ना उन सारे नंबर का सम बताओ अरे बापरे जब तक तुम ये बोल रहे थे कि इनके नंबर्स बता दो कितने बन सकते हैं तो मैं बता देता भाई कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन तुम बोल रहे हो कि इनका सम बताओ ओ माय गॉड मैंने पहले मैनुअली निकाला मैंने बोला वन थ्री फाइव सेवन से ट्वेंटी फोर पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं उन ट्वेंटी फोर पॉसिबल नंबर्स को अगर मैं मैनुअली कैलकुलेटर से

हर एक प्लेस पर हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है वो जितनी भी बार रिपीट हो रही है उसके हिसाब से सम ऑफ द डिजिट निकालो कि हर एक प्लेस पर सम ऑफ द डिजिट कितना है फिर जो भी प्लेस जिस भी जगह की उतना मल्टीप्लाई करके सम कर दो जैसे अगर यूनिट्स प्लेस की डिजिट है तो इन टू वन कर दो टेन्स प्लेस की डिजिट है तो टेन कर दो हंड्रेड प्लेस की डिजिट है तो हंड्रेड कर दो थाउजेंड प्लेस की तो थाउजेंड कर दो अभी ये कैसे काम किया था ये मैं आज नहीं बता सकता ये कैसे काम किया था ये मैं आज नहीं बता सकता लेकिन ये काम करता है ये जरूर बता सकता हूं आपको जैसे टू फिफ्टी सेवन वाला एग्जाम्पल था तो हमने देखा कि देखो भाई हर जगह पर ये वाली जो डिजिट है वो दो दो बार रिपीट हो रही है तो अकॉर्डिंगली हमने ट्वेंटी एट सम निकाल दिया अभी ट्वेंटी एट इंटू वन ट्वेंटी एट इंटू टेन और ट्वेंटी एट इंटू हंड्रेड करके जब मैंने देखा ना तो भाई साहब ये तो वही सम के बराबर आ गया जो मैनुअली मेरा सम आ रहा था सिमिलरली वन जीरो सिक्स वाले एग्जाम्पल में भी वही होने वाला है भाई सेम टू सेम तो सौ बात की एक बात मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं सीधे पॉइंट पे ना ये लो भाई सीधे पॉइंट पे आ गए कि आपको सबसे पहले निकालना है कि जो आपके डिजिट्स दिए हुए उनसे कितने नंबर्स बना सकते हो आप ठीक है फिर ये देखो कि हर एक रिपीट कितनी बार हो रहा है क्या रिपीट निकालने का भी कोई शॉर्टकट है हाँ जितने भी नंबर आए जैसे तुम्हारे पास ट्वेंटी फोर नंबर आए थे और तुम्हारे पास चार डिफरेंट डिजिट थे तो क्या आप मुझे बताएंगे कि हर डिजिट कितनी बार रिपीट होगा ट्वेंटी फोर नंबर है चार यूनिक डिजिट हैं तो हर डिजिट मेरा छह बार रिपीट होगा ठीक है सर अब कौन कौन से मेरे पास डिजिट थे इसमें इसमें सम ऑफ डिजिट अच्छा, को अगर आप रिपीटेशन से मल्टीप्लाई करते हो कितना सिक्स अब आपका नंबर कितने डिजिट का है फोर डिजिट का है तो बहुत सिंपल सा काम कर लीजिए आप आप वन 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 को नाइनटी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका वही आंसर आ जाएगा जो आपने मैनुअली निकाला था जिसमें आपका जीवन बीता जा रहा था ना अरे जिसमें आपका जीवन बीता जा रहा था उसको हमने चुटकियों में कर दिया ये लो समझ गए बात को समझ गए बात को ऑल माई डियर फ्रेंड्स अच्छा ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहली बार कर रहा हो तो उसको एक बार में समझ जाए ये ऐसी चीज है भाई जिसने पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल हो जाएगा ये वीआईपी चीज जो है ना अगर मैं इसको आज पूरा कॉन्सेप्टुअली समझाने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लग जाता है है ना चलो नाउ ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया था देखो पूरे स्टेप बाय स्टेप किया मैंने मेरे पास चार डिजिट हैं टू फोर सिक्स एट मुझे इनका सम निकालना है चारों डिजिट का तो मैंने बोला देखो पहले तो ट्वेंटी फोर नंबर बनेंगे सही बात है ट्वेंटी फोर नंबर है चार डिजिट हैं तो हर नंबर छह बार रिपीट होगा फिर सम ऑफ डिजिट निकाला ट्वेंटी फिर उसको छह से मल्टीप्लाई किया तो आगे वन ट्वेंटी अब ये वन ट्वेंटी हर प्लेस पर सम आने वाला है तो वन ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी इंटू टेन वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड वन ट्वेंटी इंटू थाउजेंड पटाखे क्यों फूट रहे हैं क्या पता भाई पटाखे क्यों फूट रहे हैं कंटिन्यूसली फूटे जा रहे हैं पहले मैं एग्जैक्टली exactly सवा सात बजे इसलिए चालू नहीं किया क्योंकि सवा सात बजे तो लड़ फूट रही थी लड़ होती है ना जिसमें एक साथ हजार फूटते हैं वो लड़ फूट रही थी मेरे को अपनी आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं क्या क्लास चालू करता फिर थोड़ा सा कम हुआ तो मैंने क्लास चालू किया भाई पता नहीं किस खुशी में फूट रहा है भाई लेकिन भाई फूट तो रहा है अब ऐसा ही है जैसा दिख रहा है तुमको ठीक है चलो गुड अरे ये क्या हो गया एक मिनट रुकिएगा भाई तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है बेटा

और दो बातें होगी तुम्हारे पास टेन 10 से हंड्रेड तक जो नंबर होते हैं वो दो डिजिट के कहलाते हैं हंड्रेड 100 से थाउजेंड के बीच में थ्री डिजिट मतलब क्वेश्चन को दो तरीके से करना है और वन मोर थिंग इन द सेम क्वेश्चन यू हैव जीरो और अगर जीरो आ जाता है तो बिन कहे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने कंडीशन जीरो बन जाता है है ना तो बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने जीरो अपने आप में कंडीशन बन गया तो कहीं ना कहीं सर अब तुम्हें इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल एंड ऑल्सो बिकॉज जीरो इज देयर दोनों में कंडीशन आएंगी कि पहली जगह पर जीरो आ नहीं सकता पहली जगह पर जीरो आ नहीं सकता तो पहली जगह पर कौन बचा फिर टू थ्री फोर एट नाइन पांच लोग बचे फाइव कर दिया दूसरी प्लेस पर छे के छे आ सकते हैं लेकिन उसमें से कोई एक तो ऑलरेडी यूज हो गया तो फिर से पांच बच गए वही मैं थ्री डिजिट नंबर में जाता हूं तो यहां भी वही बोलूंगा कि पहली प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता तो टू थ्री फोर एट नाइन पांच लोग बचे फाइव दूसरी प्लेस पर छे के छे आ सकते हैं लेकिन एक ऑलरेडी यूज हो गया तो पांच बचा अब छे में से दो यूज हो गए तो चार बचा फाइव इंटू फाइव इंटू फोर आई होप आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बात यस और नो जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाएं सारे बच्चे अरे जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाएं फर्स्ट कम कम ऑन ऑन कम ऑन गाइस कम ऑन चलो टोटल नंबर ऑफ नाइन डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट यहाँ पर खेल कर गया क्वेश्चन बोलता है डिफरेंट डिजिट्स के नाइन डिजिट के नंबर बताओ अरे डिफरेंट डिजिट मतलब डिफरेंट डिजिट मतलब जो भी पॉसिबल डिजिट्स हो अब दुनिया में कितने पॉसिबल डिजिट होते हैं बताओ कितने पॉसिबल डिजिट होते हैं दुनिया में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दस डिजिट होते हैं अभी दस में से जो जीरो है वो अपने आप में कंडीशन है क्योंकि पहला वाला तो जीरो आ नहीं सकता तो जो तुम एक नाइन डिजिट नंबर बनाने जा रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये जो तुम नाइन डिजिट नंबर बनाने जा रहे हो इसकी जो पहली प्लेस है पहली प्लेस वहां पर जीरो आ नहीं सकता तो टेन में से सिर्फ नाइन डिजिट्स बच गए जो नाइन ऑप्शन बच गए नाइन वेज बच गए अब अगले में टेन वेज है लेकिन एक ऑलरेडी यूज हो गया तो नाइन इंटू नाइन एट एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आ रही है तो ये नाइन अकेला आ गया और ये हो गया नाइन फैक्टोरियल

तो एक्ट को तुम प्रोनाउंस भी कर सकते हो और कैट को तुम प्रोनाउंस भी कर सकते हो एक्ट का मीनिंग भी होता है एक्टिंग करना और कैट का मीनिंग भी होता है अब बच गए म्या सी सी टी ए अभी टेक्ट को तुम प्रोनाउंस तो कर सकते हो टी एसी पर उसका कोई मीनिंग नहीं होता बाकी बच्चे जो तीन वर्ड्स हैं उनको तो तुम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते और उनका मीनिंग भी नहीं होता तो क्या मैं उनको वर्ड नहीं मानूंगा बिल्कुल वर्ड मानूंगा बिल्कुल मैं उनको वर्ड मानूंगा तो फॉर द परपज ऑफ दिस चैप्टर

आठ लेटर हैं बोल रहा है कितने लेटर का वर्ड बोला ही नहीं कुछ अब बताओ मुझे इसमें आपको बोला ही नहीं कितने लेटर का वर्ड बनाना है बोला ही नहीं है कितने लेटर का वर्ड बना तो क्या करूं सर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो यही मान लूंगा कि डॉगमेटिक में जितने लेटर है उतने ही लेटर का वर्ड बना लो समझ रहे हो ना मेरी बात अगर कुछ नहीं बोलता कि कितने लेटर का वर्ड बनाना तो जितने लेटर उसमें हैं उतने ही लेटर का वर्ड बना देता हूं वेरी सिंपल डैम सिंपल कूल चलेगा तो तीन तीन छह दो आठ एट पी एट एट फैक्टोरियल खत्म कंप्यूटर ये वाले में कुछ खास नहीं था

ए क्यू एक्स और एम से तुम छे अरेजमेंट बना सकते हो छे अरेजमेंट्स लेकिन फिर ध्यान रखो जरूरी थोड़ी है कि तुम AQ, 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 AQ लिखो। तुम लिखो को QA, 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 QA भी तो लिख सकते हो मतलब उसी चीज के दो और तरीके हो गए तो थ्री फैक्टोरियल सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व क्या आपको मेरी बात समझ में आई मतलब हमने चीजों को सिर्फ रटा नहीं था हमने मैनुअली भी फॉर्मेशन बनाए थे फिर वेरीफाई किया था फिर जाके उसको यूज करना चालू किया था यस और नो अब ये जैसे वो ड्रॉट

तो ए यू भी ले सकते हो यू ए भी ले सकते हो यस और नो समझ गए बात को कूल ऑल माई डियर फ्रेंड जल्दी बताओ भाई ठीक है नाउ फिर आपके पास ये आया था देर आर सिक्स बुक ऑन इकोनॉमिक्स देर आर थ्री बुक ऑन मैथमेटिक्स देर आर टू बुक्स ऑन अकाउंटेंसी ठीक है तो इकोनॉमिक्स वाली सारी बुक साथ में रहनी चाहिए मैथ्स वाली सारी बुक साथ में रहनी चाहिए अकाउंटेंसी वाली सारी बुक साथ में रहनी चाहिए तो भाई जो ई से लेके ई तक की बुक है उनको एक एंटिटी माना एम से एम तक तकों को एक माना ए से ए को एक माना तो वन 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 ये थ्री हुए थ्री ऑब्जेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके थ्री फैक्टोरियल लेकिन इकोनॉमिक्स की सारी बुक आपस में तो अपनी जगह बदल सकती है थ्री फैक्टोरियल वेज में और अकाउंट्स की भी आपस में अपनी जगह बदल सकती है फॉर्म में यस और नो तो आपने थ्री फैक्टोरियल में और मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल और खत्म बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा भाई आना चाहिए समझ में यार इसी स्पीड से चलना पड़ेगा वरना इसको हम लोग फास्टली कैसे कर पाएंगे नाउ द नंबर ऑफ वेस्ट दर्ड ट्राइंगलें ट्राइंगल में एंगल साथ में रहना चाहिए तो टी आर आई और एंगल चार लोग हो गए चार लोगों का अरेंजमेंट 24 सर एंगल भी तो अपनी जगह बदल सकता है नहीं बदल सकता क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि ए एन जी वाली साथ में रहने चाहिए क्वेश्चन ने ऐसा बोला जो भी तुम नए वर्ड बनाओगे उसमें एंगल एज इट इज रहना चाहिए एंगल फ्रीज हो गया है क्या मैं इंटू फाइव फैक्टोरियल करूं

अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास टोटल वेज दिए हुए हैं और मैं तुमसे पूछूं कि चलो बताओ वट आर द वेज इन विच दे आर नॉट टूगेदर तो अगर तुमको बात उल्टी निकालनी है ना तो टोटल वेज में से टुगेदर नंबर ऑफ वेज के माइनस कर दो अब जैसे समझो तुम यहां पर इसी वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास फेलियर पूरा वर्ड होता विदाउट कंडीशन तो तुम क्या करते एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन फैक्टोरियल फाइव जीरो फोर जीरो हो तो गया तुम्हारा टोटल वेज ये जो तुम्हारा स्क्वायर बन रहा ना ये टोटल वेज है

अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा मैंने द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर ऑलवेज नी नेवर टुगेदर तो मैंने क्या किया नंबर ऑफ वेज ऑफ वॉवल्स आर टुगेदर वन फिर फाइव सेवेंटी सिक्स था टोटल वेज फाइव जीरो फोर जीरो थे उसमें से फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस कर दिया फोर फोर सिक्स फोर हो गया डन सिक्सटीन देर आर टेन एग्जामिनेशन पेपर्स अरेंज इन सच अ वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट आर नेवर टुगेदर मतलब बेस्ट और वर्स्ट कोई दो पेपर हैं या बेस्ट बोल रहा है तो बेस्ट तो कोई एक ही होगा और वर्स्ट बोल रहा है तो वर्स्ट भी कोई एक होगा तो दस ऑब्जेक्ट्स में से कोई दो ऑब्जेक्ट साथ में रहने ना पाए ऐसा पूछ रहा है मैंने बोला नहीं मैं उल्टा काम करूंगा तुम क्या बोल रहे हो वो दोनों साथ में नहीं रहने चाहिए मैं तो दोनों को साथ में ही रखूंगा तो पहले दोनों को साथ में रख दो और फिर नंबर ऑफ वेज निकालो मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे दस पेपर हैं उन दस पेपर में से तुमने ये दो पेपर को बेस्ट और वर्स्ट मान के साथ में कर दिया पहले साथ में रहने के नंबर ऑफ वेज निकालो तो मैंने बोला डी और ई को मैं एक मान लूंगा तो नाइन हो गया ऑब्जेक्ट्स नाइन ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल और डी और ई आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं फैक्टोरियल 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 तो इससे मुझे फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल आंसर मिल गया लेकिन मुझे तो नॉट टुगेदर निकालना है तो मैं क्या करूंगा टोटल तो टेन तो फैक्टोरियल में से ये टुगेदर वाले वेज माइनस कर दूंगा तो मुझे नॉट टुगेदर का वेज आ जाएगा उम्मीद है बार बार बोलने की जरूरत नहीं आपको आराम से समझ में आएगा चलो ठीक है वेरी नाइस नाउ वही चीज को अगर थ्योरम फॉर्मेट में बताना है आपको कि एन आर्टिकल्स आर देयर आउट ऑफ दोज दोन आर्टिकल्स टू आर्टिकल्स आर नेवर टुगेदर तो पहले क्या करोगे तुम पहले तुम ये बोलोगे देखो आउट ऑफ एन आर्टिकल्स दो लोगों को अगर तुमने सेम मान लिया तो तुम्हारे टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए एन माइनस वन तो एन माइनस वन फैक्टर इंटू टू फैक्टोरियल ये हो गया वेज ऑफ ऑलवेज टुगेदर फिर टोटल वेज है तुम्हारे एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल में से एन माइनस वन फैक्टर इंटू टू को माइनस कर दो जब उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टर इंटू एन माइनस टू आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ये yes, सोलो यही फॉर्मूले में आप एन की जगह टेन डाल के देख लो तो आपका पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नाइन फैक्टोरियल इन टू एट कुल इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑफ्यूपाई ऑड प्लेस फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स लो भाई डॉटर वर्ड है डॉटर डॉटर वर्ड में कितने लेटर होते हैं डी ए यू जी एच टी ई आर डी ए यू जी एच टी ई आर तीन तीन और दो आठ लेटर होते हैं आठ लेटर में से बोल रहा है जो भी ऑड प्लेसेज हैं वहाँ पर सिर्फ वॉवेल आएंगे अब मुझे बताओ प्लेसेस कितनी है One, three, five, seven, चार हैं और मेरे पास कितने हैं? तीन हम उनको चार, कैसे सोच लो, चार जगहों को तीन लोगों से कैसे भरोगे जब कभी तुम्हें ऐसा लगने लगे कि एन की वैल्यू छोटी हो रही आर की वैल्यू बड़ी तो पलटा दो उसको पलटा दो अभी तुम ऐसा मत बोलो कि तीन लेटर को चार जगह बांटना है ऐसा बोलो कि चार जगहों को तीन लेटर में से एक एक लेटर चुनना है उल्टा फोर पी थ्री तो आपको समझ में आई किस तरीके से चार जगह फिल करी जाएंगी तीन लेटर से समझ में आया अब देखो चार में से कोई तीन जगह भर गई एक जगह बच गई और बाकी तुम्हारी वाली जगह भी बच गई तो कुल मिला के पांच जगह बच गई पांच लेटर बच गए, लेटर बच गए फाई पी फाई, बात खत्म वन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई भाई जल्दी से दिमाग की बत्ती चलाओ ये वाला पार्ट भी समझ में आया ये वाला पार्ट भी समझ में आया आपको कुल चलो नेक्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विदर ऑफ द वर्ड मंडे वी अरेज सो डेट द वर्ड बिगिन विथ एम एंड डू नोट एंड विथ एन डबल कंडीशन मंडे वर्ड है मंडे वर्ड है मतलब छः स्पेसिस हैं छः लेटर्स हैं आपके पास उस मंडे वर्ड में बोल रहा है कि पहली जगह पर एम आएगा श्योर मंडे है तो एम से ही चालू होगा लेकिन जो आखिरी लेटर है वहाँ पर एन नहीं आएगा अब मैं जब आखिरी लेटर पर पहुँचा ना तो मुझे दिमाग में आया कि एन नहीं आएगा मतलब बाकी सारे लोग आएंगे लेकिन फिर याद आया एम ऑलरेडी ऑक्युपाइड है एन तुम्हें लेना नहीं है सुनना एम तुम्हारे पास एम तुम्हारे पास आ नहीं सकता एम ऑलरेडी कहीं और चला गया तो बचे चार लोग ओ डी पहले वाले का वन आखिरी वाले के फोर वेज अब क्या हुआ बीच में चार लेटर बचे हैं और तुम्हारे पास चार ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं ट्वेंटी फोर इंटू फोर नाइनटी सिक्स उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है यस और नो अरे ओ अरे ओ अरे ओ जल्दी बताओ भाई आयो कि नहीं आयो अरे आयो कि नहीं आयो भाई आयो कि नहीं आयो जल्दी बताओ

यस yes, सर अब आते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन अब मजा आएगा ना बिडू सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है सर्कुलर परमिटेशन का मतलब होता है जब तुम्हारी चीजें जो हैं लूप में अरेंज हैं लूप में लूप में मतलब जब तुम लीनियर अरेंज करते हो ना तो एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है जैसे अगर मैं तुम्हें ऊपर बोलूँ कि ये ए बी सी डी बेंच में बैठे हुए हैं बेंच में तो यहां तुम बोलोगे कि ए देखो एकदम लेफ्ट में बैठा हुआ है और डी देखो एकदम राइट right में बैठा हुआ है लेकिन अगर कोई राउंड टेबल में बैठा हुआ है और मैं तुमसे पूछूं चलो बताओ इस राउंड टेबल में सबसे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है क्या मुझे कोई बता पाएगा कि इस राउंड टेबल में सबसे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है नहीं तो सर्कल घूमता जा रहा है वही तो बात है कॉर्नर थोड़ी होता सर्कल में देर इज नो कॉर्नर ना वही खास बात है क्योंकि अब सर्कल में कोई कॉर्नर होते नहीं है तो चाहे आप ए बी सी डी लिख दो चाहे बी सी डी ए लिख दो चाहे सी डी ए बी लिख दो चाहे डी ए बी सी लिख दो चारों का मतलब सेम है और अगर चारों का मतलब सेम है तो नंबर ऑफ परमिटेशन कम हो जाएंगे तो मैंने बोला अगर आपको सर्कुलर परमिटेशंस निकालना है लीनियर परमिटेशन में आप क्या करते थे एन फैक्टोरियल अगर चार में से चारों चीजों का तुमको अरेंजमेंट करना है तो एन फैक्टोरियल तो सर्कुलर में कर दोगे एन माइनस वन फैक्टोरियल थ्री सर मान लो मेरे पास आर की वैल्यू कम हो और एन की वैल्यू ज़्यादा हो तो कैसे करूंगा ऐसा क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है कवरेज क्षेत्र के बाहर तो जिस तरीके से आप लीनियर में जब एन पी एन करते थे तो एन फैक्टोरियल आता था ना मतलब यू आर चूजिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट द टाइम यू आर चूजिंग लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला केस यहां बाहर हो गया तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर परमिटेशन वी ऑलवेज टॉक अबाउट चूजिंग एवरीबडी एट द सेम टाइम कितने बच्चों को ये खास बात समझ में आती है ये खास बात कितने बच्चों को समझ में आती है जल्दी बताओ आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइट्स ठीक है चलो उसके बाद ये देखा हमने चाहे मैं ए बी सी डी लिख दूँ चाहे मैं डी ए बी सी लिख दूँ चाहे मैं बी सी डी ए लिख दूँ इन सब को एक मानना है तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमोटेशं जो है मेरे वो कम आते हैं लीनियर से लॉजिकल है एकदम लॉजिकल है नाउ इन हाउ मेनी वेज फोर पर्सन कैन सिट इन अ राउंड टेबल चार लोगों को राउंड टेबल में कैसे अरेंज करोगे लीनियर होता तो फोर फैक्टोरियल सर्कुलर है तो फोर माइनस वन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल आंसर इज सिक्स समझ गए बात को नेक्स्ट नेकलेस अभी नेकलेस हो चाहे आपका माला हो बीड्स हो मोती की माला हो इसमें क्या करते हो आप अरेंज कर करके ऐसे बढ़िया से एकदम नेकलेस सा बनाते हो अब उसको चाहे मैं ऐसे पहनाऊँ चाहे मैं ऐसे पहनाऊँ चाहे ऐसे पहनाऊँ मतलब ऐसे पहनाऊँ चाहे ऐसे पहनाऊँ बात तो एक ही है ना एक ही बात है वो पेंडेंट वैसे न्यूट्रल है कैसे भी पहनाऊँ बात तो एक ही है तो चाहे फ्रंट करो फ्लिप कर दिया बैक कर दिया बात एक ही है तो उनका ये कहना है कि ऐसे केस में चाहे आपका ऐसा अरेंजमेंट बने चाहे आपका ऐसा अरेंजमेंट बने ये दोनों भी एक ही कहलाते हैं तो मतलब सर्कुलर के अंदर भी कंडीशन डाल दी आपने इस तरह का सर्कुलर जिसमें आपके नेबर भी सेम रह जा रहे हैं तो उनको सेम काउंट करो नेबर चेंज होंगे तभी उनको अलग काउंट करो तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन और कम हो गया ये कहलाता है हमारा टाइप टू सर्कुलर परम्यूटेशन टाइप टू तो टाइप टू सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बोलता है सर वो कहता है कि अगर आपको इस तरीके से सर्कुलर परमोटेशन निकालना है सच दैट नो टू पर्सन हैज द सेम नेबर मतलब उनके पड़ोसी भी चेंज होने चाहिए क्योंकि ऐसे करने में पड़ोसी सेम रहता है देखो अगर ए बी सी डी ये रखा हुआ है उसको ऐसे कर देता हूं तो पड़ोसी सेम रहेगा पड़ोसी चेंज नहीं हो रहा देखो ना पड़ोसी कहां चेंज हो रहा है वो तो सेम रहेगा पर मैं चाहता हूं कि पड़ोसी भी चेंज हो जाए मेरा तो पड़ोसी भी चेंज हो जाए तो नंबर ऑफ और कम हो गए तो एन माइनस वन फैक्टोरियल को हाफ कर दो सिंपल नो प्रॉब्लम कूल चलेगा मेरी बात समझ में आई भाई दिमाग की बत्ती जल गई ना दूसरी बात इसका प्रैक्टिकल यूज कहां है अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास नेकलेस रिलेटेड सवाल आ जाए तो ये लगा देना अब देखो क्वेश्चन नंबर वन नंबर ऑफ वेज इन विच सेवन गर्ल्स फॉर्म रिंग माइनस वन सिक्सोरियल फिफ्टी डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस ओ नेकलेस मतलब टाइप टू तो फिफ्टी माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू तो फोर्टी नाइन फैक्टोरियल अपॉन टू अब कई बच्चे ना दिमाग खराब हो गया था उनका धरने पर बैठ गए अरे यार फिफ्टी फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा यार कितना टफ क्वेश्चन आ गया फिफ्टी फैक्टोरियल तो मेरे कैलसी में निकलता ही नहीं है आईसीआई ने साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मना कर दिया अरे भाई देख तो ले ऑप्शन ऑप्शन में फिफ्टी फैक्टोरियल निकालना ही नहीं है फोर्टी नाइन फैक्टोरियल निकालना ही नहीं है वो तो सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ फैक्टोरियल के फॉर्म में आपको निकालना थोड़ी है कुर्सी के फॉर्म में डाल दिया तो लोड नहीं लेने का फालतू का ऑप्शन देख लेने का ज्यादा टेंशन हो तो अब देखो सेवन बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट टू पर्टिकुलर बॉय ओ जो आपने साथ में होने वाला जो कॉन्सर्ट पढ़ाया था कि वर्ड्स आर टुगेदर लेटर्स आर टुगेदर उसको सर्कुलर में लेकर आ गए हाँ जी सर्कुलर में लेकर आ गया अब मान लो सात बॉयज हैं ए बी सी डी ई एफ जी सात लोग हो गए ए बी सी डी ई e, एफ जी उसमें से मान लेता हूँ डी और ई e हमेशा साथ में रहेंगे तो ए बी सी डी और ई e को एक काउंट करो एफ और जी तो कितने लोग हो गए एक दो तीन चार पांच छह छह ही लोग हो गए अब छह लोगों का सर्कुलर परमिटेशन क्या होगा सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल मतलब फाइव फैक्टोरियल वन ट्वेंटी लेकिन क्या डी और ई e आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं हाँ डी और ई e आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं हाँ इसलिए इन टू टू कर दिया उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया वेरी गुड सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं भाई फाइव पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल सच दैट टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट तो मैंने बोला मान लेता हूँ क्यू टॉलेस्ट है और आर शॉर्टेस्ट है अब क्यू और आर हमेशा साथ में रहेंगे तो क्यू और आर को एक काउंट कर लिया पी टी और एस को तीन काउंट कर लिया तो तीन और एक चार हो गए चार लोगों का सर्कुलर थ्री फैक्टोरियल सिक्स। क्या मैं इंटू टू करूं क्या मैं इंटू टू करूं अरे क्या मैं इंटू टू करूं जल्दी बताओ ना इसमें इंटू टू क्यों करोगे सर उसने ऐसा थोड़ी बोला कि दोनों बाजू बाजू में रहेंगे उसने यह बोला वो हमेशा उसके राइट साइड में रहेगा मतलब इनको फ्रीज कर दिया है तुमने कि क्यू राइट में रहेगा ए आर लेफ्ट में रहेगा तो इंटरचेंज नहीं होंगे बिल्कुल सही बात नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन एट पर्सन सीटेड एट अ राउंड टेबल एंड हाउ मेनी आर देयर जहां पर दो पर्टिकुलर गैस साथ में रहे कर कर तो यार, कर तो लिए लिए यार आठ लोग हैं फैक्टोरियल साथ में है तो सेवन फैक्टोरियल कर दिया एक और कम हो गया क्योंकि दो लोगों को एक काउंट कर लिया और वो जो दो लोग साथ में है वो अगर आपस में जाके बदल पा रहे हैं तो इन टू फैक्टोरियल कर दिया चलो सर इसके साथ आपका सर्कुलर भी खत्म हो गया चलिए भाई तो सर्कुलर तक की अंडरस्टैंडिंग सारे दिमाग में आ गई है तो सारे बच्चे बोलेंगे बोलो तारा रा रा समझ में आया तो बोलो तारा रा रा तो बोलो तारा रा रा, तो बोलो तारा ताराबाब रबा चलो सर अब हम करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शन तो आने वाले पंद्रह मिनट में हमको परम्यूटेशंस को चित्त करना है ताकि कल हम कॉम्बिनेशंस खत्म कर दें ठीक है परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शन में सर सबसे पहले वो राइड वाला एग्जाम्पल याद करो मैंने बोला था आठ लोग हैं अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं फिर तुम्हारे पास कोई एक उसमें राइड मिली तुमको जिसमें मात्र तीन लोग बैठ सकते थे कि चार तीन लोग बैठ सकते थे तो आठ में से तीन लोग बैठेंगे तो देर आर थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स वेस कि आठ में से कौन से तीन लोग वहां पर बैठेंगे थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स वेस आठ में से थ्री एट पी थ्री ये तो था विदाउट कंडीशन लेकिन मान लो उसमें से कोई एक मैं था और मैंने बोला अरे भाई तुम लोग बच्चे हो यार तुम लोग घूम लो तुम लोग बच्चे हो तुम लोग घूम लो मतलब वन पर्सन इज नॉट कमिंग आई एम नॉट कमिंग बच गए सात लोग तो सेवन पी थ्री हंड्रेड टेन वेज लेकिन अगर कंडीशन टू मैं बोल दूं कि मैं सीनियर हूं मैं टीचर हूं मैं तो पक्का जाऊंगा मैं सीनियर हूं मैं टीचर हूं मैं तो पक्का जाऊंगा तो फिर तुम्हारी तीन में से एक राइड की जगह भी फिक्स हो गई और आठ में से एक जना भी सिलेक्ट हो गया जो, जो कि हूं मैं तो फिर कितने लोगों को अरेंज करना है फिर मेरे को छोड़कर बच गए सात लोग और तुम्हारी राइड में तीन के बाद बच गई ओनली एक दो प्लेस क्योंकि एक प्लेस तो मैंने ले ली सेवन पी टू लेकिन इसमें एक कैच है मैं जो बोल रहा हूं कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा मेरे पास भी तो तीन ऑप्शन है कि मैं राइट में कहाँ बैठूँ सेंटर में बैठूँ लेफ्ट में बैठूँ राइट में बैठूँ याद आ रहा है सर चलो तो आपको ये चीज़ समझाते हैं सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से कि अगर आपको आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको आर ऑब्जेक्ट्स को चूज करके अरेंज करना है लेकिन उसमें से आपने ये बोल दिया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ना वो कभी नहीं आएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है यार कि आज मेरे पास मान लो दस ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे उसमें से चार ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं। और एक ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा तो फिर वो दस में से उसको गिनना ही क्यों यार तो फिर नाइन का ही परमिटेशन कहलाया ना वो इसलिए हम कर देते हैं इसको एन माइनस वन कि वो जो एक ऑब्जेक्ट नहीं आने वाला ना टेन उसमें से एक माइनस कर दो तो बच गया नाइन तो आ जाएगा नाइन पी फोर ये पहला हुआ दूसरा थ्योरम दूसरा थ्योरम दूसरा थ्योरम है कि अगर मैं तुमको ये बोल दूं कि वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड मतलब तुम्हारे पास दस चीज़ें हैं उसमें से तुम्हें चार चीज़ों को चुनना था लेकिन अब तुम्हें पता चल रहा है कि एक तो पक्का उसमें आएगा मतलब आर अब तुम्हारा कम हो गया है चार में से एक आर कम हो गया तीन बज गया और तुम्हारे एंड में दस लोग थे उसमें से भी एक जना ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो नाइन बज गए तो नाइन पी थ्री लेकिन वो जो एक जना चुना जा चुका है वो भी तो आर डिफरेंट प्लेसेस पर बैठ सकता है ना तो इसलिए इन टू आर मतलब इन टू थ्री ये करना पड़ता है सर हमको उसी पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स और सेवन क्वेश्चन सिक्स को जब हमने सॉल्व किया तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? Of of की बात कर रहा है तो फिर बच गए नौ लोग और बच गए तीन जगह नाइन पी थ्री लेकिन जो बंदा ऑलवेज जाएगा उसके पास भी चार तरीके हैं अलग अलग डिफरेंट जगह पर बैठने के तो 2016 थाउजेंड और वही अगर इसका दूसरा पार्ट आता है बोलता है never occurs, never. तो मैंने बोला फिर तो सिंपल हो गया कि दस में से एक जना जाएगा ही नहीं कभी बच गए नौ नौ में से चार लोगों को हमको अरेंज करना है और जब मजे की बात तो ये है सर अरे मजे की बात ये है कि जब दोनों क्वेश्चन के टोटल को आप एड करते हो ना तो वो आपके विदाउट कंडीशन वाले परमिटेशन के बराबर आता है समझ हो मतलब कहीं कही ना कहीं ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इंक्लूडेड वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड अगर दोनों का टोटल करोगे तो पर टोटल परमोटेशन जो तुम्हारा एन पी आर है उसके बराबर आ गया कितने बच्चों को ये रेस्ट्रिक्शंस वाला फंडा दिमाग में क्लियर हो गया जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए और वीडियो को लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हो यार तुम लोग यार हालांकि कॉमेंट्स तुम लोगों ने कल सभी लोगों ने लिखे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच गाइज दिल से अच्छा लगा दिल से दिल से मज़ा आ गया थैंक यू सो मच चलो और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जा रहा है ये सेशन और आपको सभी चीज़ें याद आ रही हैं जो आपने रेगुलर सेशन में पढ़ी थी नेक्स्ट अदर प्रॉब्लम्स ऑन परमिटेशंस अब भाई हमने क्या किया अभी तक हमने वर्ड फॉर्मेशन को स्पेसिफिक तरीके से पढ़ लिया सर्कुलर को भी स्पेसिफिक तरीके से पढ़ लिया और उसके बाद हमने लास्ट में ये वाली चीज भी स्पेसिफिक तरीके से पढ़ लिया आपका ठीक है ना रेस्ट्रिक्शंस वाला अब कुछ नहीं क्वेश्चन लेते जाएंगे और जो भी जनरल अदर क्वेश्चन है ना वो कर रहे हैं आप ठीक है बचे हुए टाइम में दस मिनट में तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजे आर टू बी अवॉर्ड एंड देर आर थर्टीन एग्जिबिट्स पहले तो मुझे ये बताइए परमिटेशन क्यों लगेगा क्योंकि आप लोगों को रैंकिंग दे रहे हो आज मान लो दस लोगों में से तेरह लोगों में से कोई तीन लोग जीतते हैं तो जीतने के साथ आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि उसमें से फर्स्ट रैंक किसकी सेकंड किसकी थर्ड किसकी और वो भी इंटरचेंज हो सकती है इसलिए परमोटेशन क्लियर है मैं कैलकुलेशन पर फोकस नहीं कर रहा हूं मैं अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कर रहा हूं नाउ इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज थ्री स्टूडेंट्स कैन बी एसोसिएटेड विद फोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अरे एन की वैल्यू तीन और आर की वैल्यू चार नहीं बेटा उल्टा सोचो किस तरीके से चार चार्टर्ड अकाउंटेंट एक, एक एक बच्चे को अपने पास ले सकते हैं फोर पी थ्री तो जब आपको एन छोटा लगने लगे ना आर बड़ा तो रिप्लेस कर दो चलेगा ना आपके सोसाइटी में दस लोग मेंबर लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए तीन पोस्ट हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर तो भाई तीन अलग अलग पोस्ट है ना तो मान लो बी के और एम भीड़े भीड़े के बाद कौन था दूसरा के का मतलब क्या था पीड़े के एम याद नहीं आ रहा चलो ठीक है तो बी के और एम ये तीन लोग सिलेक्ट हुए हैं अब ये तीन लोग जो हैं ये तीन लोग जो हैं ये बी के एम भी हो सकते हैं के बी एम भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं एम बी के मतलब समझ रहे हो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरी तीन अलग पोस्ट है ना तो तीन अलग लेबलिंग है तो तीन अलग तरीके से उनको अरेंज भी किया जा सकता है आई होप मेरी बात समझ रहे हो अच्छा कृष्णा नैयर है कृष्णा नैयर है ठीक है एक कृष्णा नैयर है और एक भीड़े जी हैं और एम का मतलब नहीं पता भाई मेरे को याद नहीं आ रहा चलो वैन जॉन अराइव इन न्यूयॉर्क ही यॉर्क टू ही यज एट शॉप्स टू सी जॉन भाई न्यूयॉर्क पहुंचे उनको आठ दुकानों में जाना था ठीक है बिजनेस मैन थे वो अब उसमें से वो छः ही जगह जा सकते क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो आठ में से छः जगह कैसे शेड्यूल कर सकते शेड्यूल भाई शेड्यूल अरे शेड्यूल शेड्यूल मतलब अरेंजमेंट अच्छा मेहता साहब थे मेहता साहब थे तो शेड्यूल मतलब चीज़ों को अरेंज करना तो एट पी सिक्स शेड्यूल तो शेड्यूल वर्ड से आपको पता चलना चाहिए कि परमिटेशंस लगेगा इसमें कोई दम नहीं था फिर ये वाला देखो फैमिली में चार ब्रदर हैं एंड देर आर थ्री सिस्टर्स उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि सारी सिस्टर साथ में रहें ऑल द सिस्टर्स आर टुगेदर तो एस वन एस टू एस थ्री तीनों सिस्टर को एक मान लिया चार ब्रदर सिस्टर का ग्रुप एक हो गया पांच ऑब्जेक्ट फाइव फैक्टोरियल लेकिन वो तीन सिस्टर आपस में अपनी जगह बदल सकती हैं थ्री फैक्टोरियल वेज में तो वन ट्वेंटी इंटू थ्री फैक्टोरियल सिक्स लेकिन सेकेंड पार्ट इसका अच्छा है इसका सेकेंड पार्ट अच्छा भाई ध्यान से सुनना इसका सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है नो टू सिस्टर्स आर टूगेदर नो टू सिस्टर्स आर टूगेदर कई बच्चों को लगा था कि टोटल में से पहले वाले का आंसर निकाल देंगे तो दूसरा आ जाएगा नहीं ऐसे थोड़ी आएगा नो टू सिस्टर्स आर टुगेदर बोल रहा है ना इसका मतलब हर सिस्टर हर सिस्टर मतलब कोई भी दो सिस्टर आजू बाजू में नहीं रहेंगी कोई भी दो तीनों की तो बात ही नहीं कर रहा कोई भी दो भी साथ में नहीं रहेंगी ऑल्टरनेट बिठाना पड़ेगा अब अल्टरनेट बिठाने के दो तरीक़े हैं देखो कितने लोग हैं तुम्हारे पास सात लोग हैं सेवन प्लेसेस हैं ठीक है अब मैं बोल देता हूं कि बॉय वन बॉय टू ब्रदर टू ब्रदर थ्री और ब्रदर फोर या तो तुम एक दो तीन सिस्टर को ऐसे बिठा दो या तो तुम एक दो तीन सिस्टर को ऐसे बिठा दो या तो तुम एक दो तीन सिस्टर को ऐसे बिठा दो कोई भी तरीके ना तुम्हारे पास मतलब यहां 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 एक्चुअली देर आर फाइव प्लेसेस जहां पर सिस्टर बैठ सकती हैं तो अब तुम्हें लगेगा कि प्लेसेस फाइव हो गई सिस्टर तो तीन ही है अरे यार आर की वैल्यू बड़ी हो गई एन की वैल्यू छोटी हो गई अरे क्यों टेंशन लेते हो यार पांच प्लेसेस हो गई सिस्टर तीन हो गई तो फाइव भी थ्री उल्टा कर दो कोई दिक्कत नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग ये भी समझ में आ गया होगा आपको ये देखो ना ऐसे मतलब सिस्टर पहले तीन में भी बैठ सकती है बीच में तीन जगह में बैठ सकती है आखिरी की तीन जगह में बैठ सकती है मतलब इन पांचों में से कहीं भी बिठा दो उनको कोई दिक्कत नहीं है इन पांच जगहों में से कहीं भी बिठा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़बरदस्त सर सर वन शॉट रिवीजन की लिंक भी लाइव डेली में अपलोड कर दो अलीशा बेटा सेशन को अच्छे से देख लिया करो कल ही बताया हुआ था कि वन शॉट रिवीजन की लिंक भी अपलोड कर दी है मैंने सी ए लाइव डेली जाके देख तो लिया करो डब्ल्यू 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 डॉट सी ए लाइव डेली डॉट मी लाइव डेली डॉट मी स्लैश सी ए लाइव डेली जैसे इसमें अगर आप जाओगे मेरे वाले पार्ट में और आप देखोगे यहाँ पर आपको वन शॉट रिविज़न की लिंक दी हुई है क्या करते हो यार क्या करते हो यार देख तो लिया करो यार कभी कभी चलो ये भी अच्छा सवाल है सर सिक्स बॉयज एंड फाइव गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो सच दैट नो टू गर्ल्स आर टू टूगेदर एंड नो टू बॉयज़ आर ऑल्सो टुगेदर मतलब कोई दो बॉयज़ भी बाजू बाजू में ना बैठे और कोई दो गर्ल्स भी बाजू बाजू में ना बैठे अब समझो मेरे पास टोटल हैं ग्यारह जगह आई हैव इलेवन प्लेसेस अगर मैं अपनी काउंटिंग गर्ल्स से चालू करता हूँ ना तो जीवन भी, जी बी जी बी जी बी जी बी जी लास्ट में दो बॉयज बच जाएंगे तो क्या आप ऑर्ड प्लेसेस में गर्ल्स को बिठा सकते हो नो no, क्योंकि गर्ल्स एक कम है अगर आपने ऑर्ड प्लेसेस में गर्ल्स को बिठाल दिया ना तो लास्ट में दो बॉयज़ को बाजू बाजू में बैठना पड़ जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए हमको बॉयज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हमने बॉयज से स्टार्ट किया ना बॉय 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 और बॉय तो ऑटोमेटिकली बीच में एक दो तीन चार पाँच गर्ल्स बच जाएंगी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही गाइज आर यू गाई गेटिंग माई पॉइंट जल्दी बताइए आर यू गेटिंग इट चलो जी भी जी बी जी बी जी बी गजब बेच जाती है चलो क्वेश्चन फोर भाई स्पेशल क्वेश्चन है ये मज़ेदार क्वेश्चन है थ्री लेडीज थ्री जेंटलमैन सीटेड एट अ राउंड टेबल इसमें तो गजब लड़ाई हुई है क्वेश्चन में गजब लड़ाई हुई है समझना समझ है स्टोरी समझना तीन लेडीज हैं तीन जेंट्स हैं बढ़िया डिनर करने गए थे अभी तीन लेडीज में से ना दो लेडीज आपस में बहुत बातें कर रही थी तीसरी लेडी को इग्नोर कर रही थी तो तीसरी लेडी गुस्सा हो गई कहती है, मैं इन दोनों के बाजू में नहीं बैठूंगी कुछ भी हो जाए क्या बात करो सर हाँ भाई ऐसा हो गया था वही बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको इस राउंड टेबल में इन बॉयज़ और गर्ल्स इन लेडीज और जेंट्स को इस तरीके से बिठाना है इस तरीके से बिठालना है कि ओनली टू ओनली टू एंड एनी टू आर टूगेदर तीन में से कोई भी दो जो साथ में बातें कर रही हैं वही दो साथ में बैठे तीसरी उनसे दूर बैठे उनके आजू बाजू में ना बैठे ठीक है सर हाँ भाई लड़ाई तो हो रही क्या करें यार लड़ाई हो, होती है लड़ाई यार कोई गलत बात है क्या तीन लोग दो दो ज़्यादा बातें करेंगे तो तीसरे को बुरा नहीं लगेगा दिल से बुरा लगता है यार भावनाओं को समझा दिल से बुरा लगता है चलो तो मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन को तीन पार्ट में बांटते हैं सबसे पहला पार्ट कि मुझे तीन में से कोई दो लेडी चुननी और उनको अरेंज करना है थ्री पी टू तो तीन में से कोई दो लेडी वो चुनी जो साथ में रहेंगी और उनका आपस में अरेंजमेंट थ्री पी टू सिक्स वेज सेकेंड अभी जो तीसरी लेडी है तीसरी लेडी बोलती कि मान लो ये दोनों साथ बाजू बाजू में बैठ गई तो मैं इनके बाजू में नहीं बैठूंगी मतलब वो यहां भी नहीं बैठेगी वो यहां भी नहीं बैठेगी तीसरी लेडी के पास सिर्फ यही दो ऑप्शन से बैठने के क्या ये बात समझ में आ रही तो तीसरी लेडीज़ के पास देर आर ओनली टू वेज टू सिट देर आर ओनली टू वेज टू सिट और फिर बच गए जेंट्स लोग कोई टेंशन ही नहीं टेंशन फ्री तीन जेंट्स बचे तीन जगह बैठी जहां बोलो बैठ जाएंगे कोई लोड नहीं है भाई थ्री पी थ्री सिक्स वेज इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सेवेंटी टू वेज ठीक है सर चलो कुल cool. सेशन कब एंड होगा सेशन एंड होगा पूरे पूरे पूरे, पूरे 180 सेकंड सेकेंड के बाद चलो मिस्टर एक्शन वाई एंटर इनटू रेलवे कंपार्टमेंट सिक्स वेकेंट सीट कुछ नहीं यार रेलवे में देखो साइड अपर साइड लोअर साइड अपर साइड लोअर ये दो अपर वाली सीट होगी दो मिडिल वाली सीट होगी दो लोअर वाली सीट होगी कुल मिला के आठ है आठ में से तुम्हें कहीं भी दो जगह बैठना है सॉरी छह बोल रहा है अच्छा छह वाला सीट बोल रहा है

आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया और ये आर बचा हुआ है फिर मुझे याद आया अरे एक फॉर्मूला हुआ करता था एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इन टू एन फैक्टोरियल कल ही पढ़ा था हमने इस फॉर्मूले को याद करो भाई कल ही पढ़ा था इस फॉमूले को यस और नो चलो तो आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल कूल समेशन आर इक्वल टू वन से लेकर टेन तक अब क्या है जहां जहां आर की वैल्यू वहां डालते जाओ एक बार यहाँ वन डाला तो यहाँ टू हो गया यहाँ टू डाला तो यहाँ थ्री हो गया यहाँ थ्री डाला तो फोर हो गया फोर डाला तो फाइव हो गया फाइव डाला तो सिक्स हो गया तो टू माइनस वन थ्री माइनस टू फोर माइनस थ्री फाइव माइनस फोर सब कटते गए आखिरकार पूरे जग में सिर्फ दो ही लोग बचे आखिरकार पूरे शहर में मात्र दो लोग बचे और वो दो लोगों का नाम था इलेवन फैक्टोरियल और वन माइनस तो इलेवन पी इलेवन माइनस वन याद आ गया आपको चलेगा सर बढ़िया ए बी सी डी ई भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है कलकत्ता डेली ये भी कोई सवाल है दस तरीके जाने के नौ तरीके आने के नाइन्टी वेज सबसे इजी क्वेश्चन चलो फिर ये स्वेटर वाला था आठ लोग हैं आठ में से इतने लोगों को स्वेटर देना है एक जने ने अपनी स्वेटर पहले डिसाइड कर ली तो सात लोग बच गए सात स्वेटर बच गए सेवन पी सेवन बात खत्म फिर राउंड टेबल वाला ये तो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है तब मैं चलिए सर कॉम्बिनेशन द नंबर ऑफ वेज इन विच स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स वेर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक एक्जाम्पल आज अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई एक सोसाइटी है जिसके अंदर तुमको तीन लोगों की एक कमेटी बनाना है और दस लोग उसके लिए खड़े हुए हैं तो कमेटी बनाना है तो मतलब तीन लोगों को चुनना है अभी चुनते समय सीक्वेंस थोड़ी मैटर करेगा कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो था ट्रेजरी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो बात अलग थी क्योंकि उसमें आपको अलग अलग पोस्ट थी तो ए बी सी बी ए सी सी ए बी ए सब मैटर करता था लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं मात्र तीन लोगों को चुनना है देन हाउ डज ऑर्डर मैटर्स तो उसको बोलते कॉम्बिनेशन तो पहले तो आप ही मुझे बताइए परम्यूटेशन में आप एक तो लोगों को चुनते भी थे फिर अरेंज भी करते थे तो नंबर ऑफ़ वेज ज़्यादा आते थे तो कॉम्बिनेशन में जो नंबर ऑफ़ वेज़ आएंगे वो परम्यूटेशन से कम आएंगे वेरी सिंपल बिल्कुल बढ़िया अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो आप चार लोग आपके साथ आ चुके हैं अक्षय कुमार है ना फिर अपनी एस के बी ठीक है उसके बाद फिर हमारे रणवीर जी उसके बाद फिर हमारे शाहरुख खान जी अब मैं बोलता हूं कि कोई एक शो होने वाला है उस शो में दो लोगों को जाना है एज अ चीफ गेस्ट इन दोनों में से किसी दो को चीफ गेस्ट की तरह जाना है शो में तो किसी भी दो को चुन लो ना यार या एस को चुन लो एआर को चुन लो ए को चुन लो एस आर को चुन लो एसके को चुन लो आर के को चुन लो उसमें यह थोड़ी फर्क पड़ता है भाई उसमें यह थोड़ी फर्क पड़ता है कि आपने किस सीक्वेंस में लोगों को चुना है दैट इज कॉम्बिनेशन सिंपल अच्छा अब जैसे ये वाले एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे ए बी सी डी अभी ए बी सी डी का जब तुम परमिटेशन बनाते थे कि ए बी सी डी में से दो लोगों को चुनो तो तुम क्या करते थे ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी ये तो छह तरीके हो गए चुनने के फिर उनके अरेंजमेंट भी करते थे कि ए बी के साथ बी ए ए सी के साथ सी ए ए डी के साथ डी ए बी सी के साथ सी बी ये परमिटेशन हो जाता था लेकिन मैं अरेंजमेंट नहीं करना चाहता तो ये जो मेरा सिक्स आ गया है ना भाई ये जो मेरा सिक्स आ गया वही मेरा कॉम्बिनेशन है दैट्स इट तो कॉम्बिनेशन इज अ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन परम्यूटेशन इज अ काउंटिंग ऑफ सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट उम्मीद है कि बेसिक डिफरेंस तो दोनों को समझ में आ गया तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना भाई आप एक छोटी सी चीज़ याद रखना क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है ना तो आप परमोटेशन यूज करना ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन यूज करना सिंपल सी बात है ठीक है सर कूल cool? चलो थ्योरम की बात करूं जैसे आप वहां पर एनपीआर लिखते थे यहाँ एनसीआर लिखोगे एन सी आर लिखोगे तो फार्मूला भी उसके जैसा ही बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना फार्मूला तो परम्यूटेशंस में भी होता था तो फिर एक्स्ट्रा क्या है सर एक्स्ट्रा ये है जो आपने डिवाइड किया है मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं आपको लिंकेज बोलूं तो जितने आपके परम्यूटेशंस होते हैं ना उसी में आप आर फैक्टोरियल डिवाइड कर दो आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और ये बात हमें बहुत मदद करती है कॉम्बिनेशन जल्दी निकालने में क्योंकि परमिटेशन की हमने ट्रिक सीखी हुई है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ टेन पी की वैल्यू निकालो तो आप कर देते हो टेन इंटू नाइन इंटू एट तो वही अगर मैं आपसे बोलूँ टेन सी थ्री की वैल्यू निकालो तो आप क्या कर दोगे पता टेन इंटू नाइन इंटू एट मतलब टेन पी थ्री डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल तो आपको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो परमिटेशन में आपने ट्रिक सीखी है जो परमिटेशन में आपने शॉर्टकट सीखा है वही शॉर्टकट आपका फॉलो होगा कॉम्बिनेशन के अंदर भी बात करूँ अगर कंडीशन की बिल्कुल सेम एन मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स आर मतलब जितने उसमें से चुनने हैं आर की वैल्यू एन की वैल्यू से हमेशा छोटी या आर की वैल्यू मैक्सिमम एन के बराबर होगी आर की वैल्यू एन से बड़ी कभी नहीं हो सकती वेरी सिंपल सी बात है अब एनसीआर को अगर मैं शॉर्टकट तरीके से निकालने जाऊं तो कैसे निकालूंगा वही परमिटेशन का हेल्प ले लो आज मैं तुमको बोलता हूं इलेवन सी फोर निकालना है तो पहले इलेवन पी फोर कैसे निकालते थे इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट बस फिर एक चीज और याद रख लो कि divided by R factorial करना है। यहाँ पर R की चार है पर की तो divided by, चार फैक्टोरियल कर दो। Simple, cool. कितने बच्चों को combinations, जल्दी निकालने में में जो help लेना है, ये वाला समझ आया? दिमाग की बत्ती जलाइए। अब कुछ खास बातें। मैंने तुम्हारे सामने पांच चॉकलेट रख दी चलो पांच में से पांच चॉकलेट चुनो बताओ चुनने के कितने तरीके अरे पांच चॉकलेट तो ली एक तरीका ओनली वन वे वैन यू आर चूजिंग ऑल द थिंग्स टूगेदर एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ओनली वन अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास पांच चॉकलेट रखी है इसमें से एक भी नहीं लेना है जब एक भी लेना ही नहीं है तो फिर चूज करने के तरीके कहाँ से आएंगे बस वही एक तरीका है मत लो एक भी मत लो तो रादर वेदर यू टेक एन सी जीरो वेदर यू टेक एन सी एन ऑलवेज आंसर इज वन सो अगर मैं आपसे बोलूँ चलो बताओ वट इज द वैल्यू ऑफ टेन सी जीरो दैट इज ऑल्सो वन वट इज द वैल्यू ऑफ टेन सी टेन दैट इज ऑल्सो वन तो अगर आपकी एन और आर की वैल्यू सेम हो जाती है तो भी वन और अगर आर की वैल्यू जीरो तो 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 चाहो तो फॉर्मूले से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो अब आते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट थ्योरम जैसे आपसे पूछा ट्वेल्व सी फोर ट्वेल्व सी थ्री क्या करना है कुछ नहीं ट्वेल इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन अपॉन फोर फैक्टोरियल ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन अपॉन थ्री फैक्टोरियल सम कर देंगे आ जाएगा फिर क्वेश्चन टू इसको ध्यान से देखो इसमें कैसा आया हुआ है आपको एन और आर की वैल्यू बतानी है अब आप एन और आर की वैल्यू निकाल नहीं सकते आपको ऑप्शंस को पकड़ना पड़ेगा सारे ऑप्शंस को दोनों जगह चेक करना पड़ेगा दोनों जगह चेक करना मतलब उन ऑप्शंस की मदद से एक बार एन पी आर भी निकाल कर देखो एन सी आर भी निकाल कर देखो कभी कभी हम अर्ली सेलिब्रेशन कर लेते हैं मतलब हमने क्या किया हमने सिर्फ एन पी आर चेक किया हमारा मैच करके और हम बल्ले बल्ले करने लगते हैं नहीं जल्दी बल्ले बल्ले नहीं करो दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई होगी वही हमारा सही ऑप्शन होगा समझ रहे हो बात को ऑप्शन ट्राई क्वेश्चन थ्री एग्जाम्पल थ्री कमेटी आपको बनानी है तीन लोगों की आउट ऑफ बारह लोग तो बताओ कितने तरीके से बना सकता हूं अरे भाई बारह लोग कमीटी बनानी कमेटी मतलब तीन लोगों का एक ग्रुप बनाना है बस इतनी सी बात हाँ इतनी सी बात बस ट्वेल्थ सी थ्री खत्म ग्रुप बनाना है ना अरेंजमेंट थोड़ी उनका कैसा अरेंजमेंट है? ये काम मैटर करता है बिल्कुल मैटर नहीं करता यस और नो कंपनी विशेष टू साइमल्टेनियसली प्रमोट टू ऑफ इट्स सिक्स डिपार्टमेंट हेड

चुन चुन के चुन चुन के चुन चुन के चुनना है तो कॉम्बिनेशन लगा देना सिंपल टेन पी दिया है टेन सी आर दिया है आर की वैल्यू पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं आपको रिलेशनशिप पता है ना कि टेन सी आर मतलब टेन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल दोनों को सब्सटीट्यूट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आर फैक्टोरियल फाइव जीरो फोर जीरो के बराबर तो आर की वैल्यू सेवन के बराबर कूल cool, सिंपल ओ चलिए हाथ मिलाइए चलिए हाथ मिलाइए मेरे साथ चलिए हाथ मिलाइए वेलकम वेलकम स्वागत है आपका एवरी टू पर्सन शेक हैंड्स विध ईच अ पार्टी टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेकनी नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स विल बी हाउ मनी नंबर ऑफ गेस्ट विल बी इ पार्टी हैंडशेक का मतलब क्या ए ने बी से हैंड शेक किया या बी ने ए के साथ हैंडशेक किया बात तो एक ही हुई ना तो क्या आपको ए बी और बी ए को अलग अलग गिनना है क्या आप लोगों को ए बी और बी ए को अलग अलग गिनना है जी नहीं जब ए बी और बी ए को अलग अलग गिनना ही नहीं है मतलब ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है तो कॉम्बिनेशन और क्योंकि एक हैंडशेक करने में दो लोगों की जरूरत होती है तो नंबर ऑफ आर इक्वल टू एन सी टू अब एन की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लू जिसमें सी टू करूंगा तो सिक्सटी सिक्स आ जाए ट्वेल्व सी टू तो एन की वैल्यू ट्वेल्व उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ हैंडशेक तो भाई बेसिक बात समझ में आ गई है तो बोलो तारा रा रा तो बोलो तारा रा रा तो बोलो तारा रा तो रा जल्दी भाई फिर चलते हैं कंडीशनल बातों में लेट्स गो टू द कंडीशनल पॉइंट्स अगर रिक्वायरमेंट कंडीशनल है तो तुमको क्या करना चाहिए तुम्हारे क्वेश्चंस को पार्ट्स में बांट देना चाहिए फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन सेपरेटली निकालना चाहिए फिर प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है ये यूजिंग द रूल्स ऑफ काउंटिंग डिसाइड करोगे कैसे चलिए देखते हैं एक व्यक्ति है जिसके बारह दोस्त हैं बारह दोस्तों में से उसके आठ दोस्त रिलेटिव है ये देखो एट फ्रेंड आर रिलेटिव और चार फ्रेंड ऐसे हैं जो दोस्त तो हैं लेकिन रिलेटिव नहीं है अब आपसे बोल रहा है कि आपको बारह में से आठ चुनने हैं सॉरी इन हाउ मेनी वेज कैन ही इन्वाइट सेवन गेस्ट मुझे बारह में से सात गेस्ट इन्वाइट करने हैं लेकिन उसमें कंडीशन डाल दी कि वो जो सात लोगों को तुम इन्वाइट करोगे ना उसमें से पांच लोग रिलेटिव होने चाहिए तो मैंने बोला भाई ऐसा करो ना तुम रिलेटिव वाले ग्रुप को अलग रखो नॉन रिलेटिव वालों को अलग रखो अब मुझे बताओ क्या करना है आठ जो तुम्हारे रिलेटिव वाले दोस्त हैं उसमें से पांच दोस्त चुनने हैं टोटल सेवन दोस्त चुनने तो, तो बचे हुए दो तुम्हारे नॉन रिलेटिव होने चाहिए तो उन चार में से दो लोगों को और चुन लो अब क्योंकि मुझे ओवरऑल सात लोगों को एक साथ चुनना है तो दोनों के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देख लो भाई इन आठ लोगों में से पांच लोगों को चुनने का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा एट सी फाइव इन चार लोगों में से दो लोगों को चुनने का कॉम्बिनेशन हो जाएगा फोर सी टू तो एक जगह आ रहा है फिफ्टी सिक्स एक जगह आ रहा है सिक्स क्या करूं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं मल्टीप्लाई क्यों क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे सारे लोगों को बुलाना है ना प्लस कब लगता है जब और हो और और मल्टीप्लाई कब लगता है जब एंड हो चलेगा सर चलेगा सर परफेक्ट चलेगा सर बिल्कुल चलेगा ये देखो ना बारह में से सात आठ में से पाँच चार में से दो डायग्राम आपके सामने है आराम से समझ में आ जाएगा भाई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ओए भाई लैग वैग तो नहीं आ रहा है मुझे लैग जैसा क्यों दिखा भाई लैग वैग तो नहीं आ रहा है ना अच्छा आया था चला गया चला गया चला गया चला गया थोड़ा सा झोंका आया था थोड़ा सा झोंका आया था चला गया चलो देर आर सेवन मैन एंड थ्री लेडीज़ फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ सिक्स मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड इफ द कमिटी इज टू इंक्लूड एट लीस्ट टू लेडीज अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम्हारे पास दस लोग हैं कैसे दस लोग आए सर सेवन मैन थ्री लेडीज ऐसे दस लोग हैं दस लोगों में से तुमको कमिटी बनानी है छः लोगों की अगर कोई कंडीशन नहीं होती ना क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं होती तो तो मैं सीधे कर देता टेन सी सिक्स लेकिन नहीं भाई कंडीशन डली हुई है क्या कंडीशन डली हुई है कि जो कमिटी बनेगी वो ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें वुमन एम्पावरमेंट कम से कम दो लेडीज होनी चाहिए छह में से कम से कम दो लेडीज होनी चाहिए तो कम से कम दो लेडीज बोला इसका मतलब क्या क्या हो सकता है सर या तो आप दो लेडीज रख लो चार जेंट्स रख लो या तो तीन लेडीज रख लो और दो जेंट्स रख लो आ, नहीं नहीं ऐसा क्यों भाई या तो तीन लेडीज और तीन जेंट्स या तो दो लेडीज और चार जेंट्स सर ऐसा भी तो कर सकते हैं चार लेडीज और दो जेंट्स रख ले भाई टोटल तीन लेडीज है ना तो उससे ऊपर जा नहीं सकता तो अब समझो एक तो क्वेश्चन में कंडीशन है ऊपर से दो ऑप्शन है एक तो क्वेश्चन में कंडीशन है ऊपर से दो ऑप्शन है कैसे ऑप्शन है आइदर यू कैन हैव अ ladies and इज gents तो ये इसके और इसके नंबर नंबर ऑफ ऑफ और ऑप्शनल हैं हैं या साथ में हो रहे हैं? बताओ दोनों के बीच में एंड लगा होगा या और लगा होगा सर और लगा होगा क्योंकि दोनों के बीच में और लगा है तो मैं इनके नंबर ऑफ वेज को जोड़ दूंगा तो अब मैं तुमको बताता हूं कैसे करेंगे समझो पहला तरीका कमिटी बनाने का जिसमें देर शुड बी फोर मैन तो सात मैन में से फोर मैन चुन लो सेवन सी फोर और दो लेडीज तो तीन में से दो लेडीज चुन लो थ्री सी टू इसके नंबर ऑफ वेज आ गए वन जीरो फाइव दूसरा तरीका कि आपके जो छह टोटल बन रहे हैं उसमें तीन लेडीज और तीन जेंट्स रहे तो सात में से तीन जेंट्स चुन लिए तीन में से तीन लेडीज चुन ली सेवन सी थ्री थ्री सी थ्री आंसर आ गया आपका थर्टी फाइव अब मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा गलती से क्योंकि ये तो ऑप्शन है तो मुझे इनको ऐड करना है उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है ऑल माई डियर फ्रेंड्स हमने देखो रूल्स ऑफ काउंटिंग का भी यूज कर लिया पांच सात मिनट के अंदर हमने कितनी वेराइटीज कवर कर ली कॉम्बिनेशन में यस और नो मजा आया कि नहीं भाई चलो बहुत बढ़िया कमिटी ऑफ सेवन मेंबर्स इज टू बी फॉर्मड आउट ऑफ सिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फोर इकोनॉमिस्ट एंड फाइव कॉस्ट अकाउंटेंट हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन कंडीशन इज गिवन दैट एटलीस्ट देयर शुड बी वन मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट और कॉस्ट अकाउंटेंट

तीन इकोनॉमिस्ट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट या तो तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट दो इकोनॉमिस्ट और दो कॉस्ट अकाउंटेंट या तो फिर चार चार्टर्ड अकाउंटेंट तीन से कम नहीं कर सकते ना तीन से ज्यादा रखने में किसने मना किया है तो चार सी एक इकोनॉमिस्ट और दो कॉस्ट अकाउंटेंट चार सीए और दो इकोनॉमिस्ट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट एक और तरीका है मेरे पास पांच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक कॉस्ट अकाउंटेंट और एक इकोनॉमिस्ट क्या मैं इससे ज्यादा और बढ़ सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं सिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं सर अगर आप सिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कर दोगे तो फिर तो एक ही जगह वैकेंट बचेगी फिर एक जगह में दोनों को कैसे लाओगे क्योंकि मिनिमम एक इकोनॉमिस्ट और मिनिमम एक कॉस्ट अकाउंटेंट बोला है तो पाँच से ज्यादा मत लेके जाना थोड़ा हिसाब से भाई ठीक है तुम्हारी ज्यादा चलती पर थोड़ा हिसाब से थोड़ा हिसाब से भाई ठीक है चलो अब ये ना कोई सेवन वेज नहीं निकले हैं ये जो तुमने सिक्स वेज सिक्स तरीके बताए हैं ना ये तो सिक्स मैथड्स हैं फिर हर मैथड में कितने नंबर ऑफ वेज तरीके हैं वो तुमको निकालना पड़ेगा देखो कि छः चार्टर्ड अकाउंटेंट में से तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट चार इकोनॉमिस्ट में से एक पाँच में से तीन ये हुआ पहला तरीका फिर हुआ दूसरा तरीका फिर हुआ तीसरा तरीका मैंने इन सबको ऐड क्यों किया जल्दी बताओ सर मैंने इन सबको ऐड इसलिए किया हुआ है क्योंकि या तो ऐसी वाली कमेटी बनेगी या तो ऐसी वाली या तो ऐसी वाली या तो और है ना ऑप्शनल्स हैं ऑप्शनल्स और बीच में आपस में क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है क्योंकि जब ऐसी वाली एक कमेटी बनेगी तो फिर उसमें तो तीन सी ए एक इकोनॉमिक्स और कॉस्ट अकाउंटेंट साथ में रहेंगे ना तो इनके बीच में तो एंड लगा हुआ है ना इनके बीच में और लगा हुआ है लेकिन आपस में तो इनके बीच में एंड लगा हुआ है ना समझ रहे हो बात समझ रहे हो बात समझ रहे हो बात समझ रहे हो भाई चलो जबरदस्त हालांकि ये क्वेश्चन जो था भाई ये पेपर लायक बिल्कुल भी नहीं है फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यार कोई बात है क्या तुम्हारे लिए पगले कोई बात है क्या कोई दिक्कत नहीं भाई आराम से करेंगे सब कुछ करेंगे दिक्कत नहीं है फुल स्पीड में करेंगे और सब कुछ करेंगे बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ सेवन जेंट्स एंड फोर लेडीज़ कमिटी ऑफ फाइव टू बी फॉर्म एटलीस्ट वन लेडी अब बताओ भाई चार लेडी है कम से कम एक लेडी बोला है पांच की कमिटी है तो कम से कम एक लेडी मतलब एक दो तीन चार तक जा सकते हो ठीक है सर तो वन लेडी टू लेडी थ्री लेडी फोर लेडी अच्छा बाकी बचे हुए पांच में से जितनी जगह बचेंगी उसमें जेंट्स डाल देना तो फोर जेंट्स थ्री जेंट्स टू जेंट्स वन जेंट्स बस हो गया अब सात में से चार चार में से एक सात में से तीन चार में से दो सात में से दो चार में से तीन सात में से एक चार में से चार अब आपस में तो ऑप्शन है ना कि या तो एक लेडी वाली कमेटी बनेगी या तो दो लेडी वाली कमेटी बनेगी या तो तीन लेडी वाली कमेटी बनेगी या तो चार लेडी वाली कमेटी बनेगी तो बीच में और लगा दो मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छा जी अब थोड़ा उल्टा पुल्टा सवाल जो हमको क्वेश्चन बोलता है याद करना क्वेश्चन हमको बोलता है ऐसा मत करना तो अपनी आदत है वही करेंगे जैसे बच्चों को बोला जाता नहीं नहीं उसको टच मत करो उसी को टच करेगा नहीं, नहीं 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 उसको मत छेड़ो वही करेगा वैसे हमारी भी आदत हो गई है क्वेश्चन बोलता है कमिटी ऑफ थ्री लेडीज एंड फोर जेंट्स आपको बनाना है आउट ऑफ एट लेडीज एंड सेवन जेंट्स फिर बोल रहे हैं कि जो मिसिज एक्स हैं वो मिस्टर वाई के साथ नहीं रहेंगी उन्होंने बोला अगर कमिटी में मिसिज एक्स हैं मतलब मिस्टर वाई हैं तो मैं नहीं रहूंगी अगर कमिटी में मिस्टर वाई हैं तो मैं नहीं जाऊंगी कमेटी में तो बताओ ऐसी कमेटी कितनी बनेगी क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दोनों को साथ में मत रखो मैंने बोला मैं तो साथ में रखूंगा दोनों को मैं तो साथ में रखूंगा दोनों को लो नंबर ऑफ वेज एक्स एंड वाई आर टुगेदर मैंने तो उल्टा किया जो पूछा उसका उल्टा किया मैंने बोला एक काम करते हैं मान लेते हैं कि एक्स और वाई कमेटी में है ऐसा फ्रीज कर दिया मैंने अब मुझे एक बात बताओ अगर ऑलरेडी आपको पता है कि एक्स और वाई कमेटी में है तो फिर अब कमेटी के जो टोटल आठ लेडीज हैं उसमें से सात लेडीज बची जो टोटल सात जेंट्स नॉमिनेटेड थे उसमें से छह बचे और कमेटी की जो तीन और चार वाली जगह थी उसमें भी एक एक जगह माइनस हो गई कि अब तीन लेडीज की जगह दो ही लेडीज बची हैं जिनको चुनना है और चार जेंट्स की जगह तीन ही लोग बचे यस और नो अब सुनो सेवन सी टू सिक्स सी थ्री मल्टीप्लाई करो आंसर फोर ट्वेंटी समझ में आ रही बात सेवन सी टू सिक्स सी थ्री ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी आंसर आ जाएगा आपका आराम से चलेगा भाई चलेगा भाई अरे चलेगा भाई यस परफेक्ट दैट्स ऑल अब सुनिए ये तो हुआ गलत वाला आंसर पर सही वाला आंसर तब निकलेगा जब तुम टोटल वेज में से इन गलत वाले वेज को निकाल दो तो मैं अब टोटल वेज निकालूंगा कि मान लो कोई कंडीशन होती ही नहीं तो मेरे ओवरऑल टोटल वेज कितने आते तो मैं बोलता आठ लेडीज में से तीन लेडीज को चुन लेना सेवन जेंट्स में से चार जेंट्स को चुन लेना एट सी थ्री सेवन सी फोर में इस नाइनटीन सिक्सटी में से फोर ट्वेंटी हटा दोगे तो अपने आप जो तुमने पूछा था उसका आंसर आ गया क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही ये फंडा तो मैंने कल भी आपको बताया था ना यार कि हमसे कुछ पूछता तो हम कुछ निकालते हैं फिर उल्टा निकाल देते हैं तो हमको जो तरीका ईजी लगेगा हम तो वो करेंगे ना भाई हमको ऐसा थोड़ी कि जो पूछा सीधे वही निकालो भले हम घुमा के निकाल रहे निकाल तो रहे ना बस बात ख़त्म पंद्रह सौ चालीस इज द आंसर दैट्स ऑल सिंपल चलो ओ भाई साहब आज लैग कहाँ से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है लैग कहाँ से आ रहा है ओए ओए झोंका आया होगा झोंका आया होगा भाई झोंका आया होगा चेक करो चेक करो झोंका आया होगा चला गया चला गया झोंका चला गया बेटा चला गया अरे लेग का झोंका लग जा गले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ झोंका आया था बेटा चला गया झोंका आया था चला गया तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते ना इसलिए बुरा मान जाता है वीडियो पता इसलिए लैग करने लगता है तुम लोग लाइक नहीं करते ना इसलिए बुरा मान जाता है वो चलो ठीक है ना ओके लेट्स बिगिन कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस आपको पता है आपको पता है चाहे आप चाहे आप चाहे आप टेन सी टू निकालो या टेन सी एट निकालो दोनों सेम आंसर देते हैं mm. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि दस में से आपको आठ लोगों को चुनना है तो आपके पास दो तरीक़े हैं कैसे दो तरीक़े हैं सर मैं बताता हूँ कैसे दो तरीक़े हैं अगर मैं तुमको बोलूं कि ये दस चीज़ों में से दो चीज़ों को चुनना है तो या तो तुम बोल दो आठ को नहीं चुनना है या फिर मैं बोलूं दस में से आठ को चुनना तो तुम बोलोगे दो को नहीं चुनना है

तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आइदर यू फाइंड आउट एन सी आर और यू फाइंड आउट एन सी एन माइनस आर बोथ विल गिव यू द सेम आंसर सर इसका फायदा क्या है इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर मैं तुमसे बोलूँ चलो निकालो ट्वेल्व सी टेन तो तुम्हारी मेहनत आधी से भी कम हो जाएगी ट्वेल्थ सी टेन कैन कैन बी रिटर्न है जल्दी बताओ ट्वेल्थ सी टेन कैन बी रिटर्न एज ट्वेल्थ सी ट्वेल्व माइनस टेन मतलब ट्वेल्थ सी टू ओ या ओ ये ओ ये ट्वेल्थ सीट टू समझ में आ रही बात ट्वेल्थ सीट टेन कैन बी ऑल्सो भी रिटर्न एस ट्वेल्थ सीट टू दट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन तो हमको बाद में जाके बहुत हेल्प करता है भाई ये चीज़ ठीक है ना अब जैसे तुमको मैंने बोला पी क्यू आर एस टी इसमें से कोई तीन चुनने हैं तुमको मान लो तुम क्यू आर एस चुनने वाले थे तो या तो तुम पी टी को चुन लो कि भाई ये दोनों को नहीं चाहिए मुझे तो अपने आप बात बाकी तुम्हारे पास आ जाएंगे तो इट्स द सेम थिंग ठीक है सर इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अब जैसे इस टाइप के सवाल आते हैं एटीन सी आर इक्वल्स टू एटीन सी आर प्लस टू अब हम लोग क्या करते हैं हम बोलते हैं देखो आर और आर प्लस टू बाजू बाजू में चलो दोनों को सेम कर देते हैं जीरो इक्वल्स टू टू आर्य भट्ट ऊपर से आ जाएंगे बेटा क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है आर माइनस आर जीरो इक्वल्स टू टू क्या चल रहा है ऐसा नहीं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ पर अदरवाइज थोड़ी तुम इक्वल कर सकते हो ऐसे ही इक्वल करने से अगर तुम्हारा गलत आ रहा है मतलब तुमने गलत किया है तो क्या करोगे तुम एटीन सी आर को एटीन सी एटीन माइनस आर लेखो उसके बाद इस एटीन माइनस आर को आर प्लस टू से कंपेयर करो फिर तुम्हारा आर का वैल्यू एट आ जाएगा ठीक है बेटा ठीक है बेटा हमें परेशान मत करो ऊपर से चलो ओके नाउ फिफ्टी वन सी थ्री वन क्या लिख सकता हूँ इसको मैं फिफ्टी वन सी फिफ्टी वन माइनस थर्टी वन मतलब फिफ्टी वन सी ट्वेंटी सिंपल नाउ एन सी टेन एन सी फोर्टीन ये दोनों बराबर हैं तो मैं एन सी टेन को एन सी एन माइनस टेन लिख देता हूँ अब एन माइनस टेन और फोर्टीन को कंपेयर करता हूँ तो एन की वैल्यू ट्वेंटी फोर मतलब ट्वेंटी फाइव सी ट्वेंटी फोर तुमको निकालना है फिर मजा आएगा ट्वेंटी फाइव सी ट्वेंटी फोर अरे बाप रे इतना टफ कैसे निकालूंगा अरे क्या टफ भाई ट्वेंटी फाइव सी ट्वेंटी फोर मतलब ट्वेंटी फाइव सी वन सिंपल कूल वेरी इजी क्या दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये तो हम कर चुके हैं सर ऑलरेडी नाउ अब एक और तरीका आता है सर चूज़ वन और मोर एक क्वेश्चन पैटर्न होता है चूज़ वन और मोर बोलते हैं इनमें से इनमें से इनमें से, इन से एक या उससे ज्यादा चीज़ों को चुनो कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर थिंग अब जैसे ये मैंने पूरा तुमको बना के दिखाया था कि मैं तुम्हारे सामने पांच चीज़ें रखता हूँ और तुमको बोलता तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो पांच में से कोई एक चीज़ चुन लो या दो चीज़ चुन लो या तीन चीज़ चुन लो या चार चीज़ चुन लो या पाँच चीज़ चुन लो तुमने इन सबको ऐड किया थर्टी आ रहा था फिर मैंने तुमको बताया भाई एक शॉर्टकट है तुम्हारे पास टू की पावर एन माइनस वन कि टू की पावर फाइव फाव माइनस वन वो भी माइनस वन क्यों करना पड़ता है पता क्योंकि एक और चीज़ आती है इसके अंदर दैट इज़ फाइव सी जीरो उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि हम वन और मोर बोलते हैं ना हम वन और मोर बोलते हैं हम जीरो और मोर थोड़ी बोल रहे हैं अगर जीरो और मोर बोल दें तो आपको माइनस वन भी ना करना पड़े यस yes, और नो no. जबरदस्त तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टू की पावर एन माइनस वन टू की पावर टेन माइनस वन सिंपल चलो अच्छा इसको समझने का एक और फंडा है इसको समझने का एक और फंडा है वो ये है सर कि तुम्हारे पास पाँच ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट के पास दो चॉइसेस हैं या तो उसे चुना जाएगा या तो नहीं चुना जाएगा या तो उसे चुना जाएगा या तो नहीं या तो सिलेक्ट या तो नॉट सेलेक्ट या तो सिलेक्ट या तो नॉट सेलेक्ट टू 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 आ गया थर्टी टू पर फिर माइनस वन क्यों किया ऑल रिजेक्शन वाले केस को हटा देना इज़ तो दोनों अप्रोच से आप समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस अप्रोच से आपको कंफर्टेबल लगे दोनों अप्रोच सही है कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपके सामने अगर आपसे पूछता है व्हाट इज देशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन जीरो और मोर तो आप कर दोगे टू की पावर एन आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है सर चलो सुपर नाउ मैन फाइव फ्रेंड ही हैज़ टू इन्वाइट वन और मोर फॉर द डिनर तो पांच में से किसी एक को भी बुला सकता है पांच में से किसी दो को भी बुला सकता है तीन को भी चार को भी पांच को भी अरे श्रेयांस भाई क्यों स्पैमिंग कर रहे हो सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ या लेक्चर देखूँ मैथ्स के आंसर दे दीजिए प्लीज ब्लॉक मत करिएगा ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ लेकिन इसका उत्तर मैं थोड़ी दूंगा या तुमको खुद डिसाइड करना बेटा एन एग्जामिनेशन पेपर विथ टेन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सिक्स क्वेश्चन अच्छा ये जो हमने वन और मोर वाला फंडा देखा ना ये जो हमने वन और मोर वाला फंडा देखा ना इसको भी स्प्लिट करके पढ़ सकते हैं एक पेपर में दस क्वेश्चन आ रहे हैं दस में से छह क्वेश्चन एल्जेब्रा के हैं चार क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं अब तुमको दोनों सेक्शन में से कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो छो क्वेश्चन में से या तो तुम कोई एक अटेम्प्ट कर लो या तो कोई दो अटेम्प्ट कर लो तो वन और मोर आउट ऑफ दैट सिक्स एंड वन और मोर आउट ऑफ दैट ज्योमेट्री तो वन और मोर आउट ऑफ एल्जेब्रा वन और मोर आउट ऑफ ज्योमेट्री तो टू की पावर सिक्स माइनस वन टू की अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करें या प्लस करें जल्दी बताओ दोनों के बीच में प्लस करें या मल्टीप्लाई करें सर प्लस तो तब करते जब ये ऑप्शनल होता लेकिन मैं तो एक पेपर देने जा रहा हूं ना उसमें मुझे एलजेब्रा भी करना है और ज्योमेट्री भी करना है एलजेब्रा भी करना है और ज्योमेट्री भी करना है दोनों करना है इसलिए इंटू लगेगा क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही वाई इन टू वाई इन वाई इन समझ में आ रही भाई परफेक्ट नाउ पर्सन हैज एट फ्रेंड ये तो हो गया सर डिनर वाला वन और मोर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस आपको खरीदने हैं एसी फ्रिज टीवी कूलर वॉट एवर टू की पावर फोर मैंने सुना अब बात आती है ज्योमेट्री की ज्योमेट्री में, में बड़ा मजा आता है भाई ज्योमेट्री में बड़ा मजा आता है ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज सर आती है तुम्हारे सामने स्ट्रेट लाइन बनाना एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स को आपस में जोड़ना पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपस में दो पॉइंट्स को जोड़ना पड़ता है तो एन सी टू तो जब भी तुमको बोले नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बताओ तो जितने भी तुम्हारे पास पॉइंट्स रखे हुए हैं उनको एन ले लेना और एन सी टू कर देना फिर आता है दूसरा क्वेश्चन ट्राइ एंगल ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है तो ट्राइंगल को बनाने के लिए तीन पॉइंट की जरूरत होती है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला हो गया एन सी थ्री फिर अगला आता है तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद द गिवन पॉइंट वेयर एम आर कोलिनियर अरे भाई सिंपल सी बात है जितने पॉइंट्स कोलिनियर होंगे उनसे बनने वाली लाइन बन नहीं पाएंगी लेकिन जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो मिलाकर एक लाइन बना देंगी तो पहले तुम ये बनाओ कि टोटल पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगी फिर ये निकालो कि कितनी कोलिनियर पॉइंट्स है जिनकी वजह से नहीं बन पाएंगी फिर लास्ट में एक्स्ट्रा और ऐड कर दो सर ये लास्ट में एक्स्ट्रा और क्यों ऐड करते हैं लास्ट में एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होते हैं ये वाले मैं आपको नोटबुक में दिखाता हूं जैसे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके लेट्स से ये एक, दो तीन चार मान लो और दो पॉइंट यहां, यहां पर अब तुमने एक लाइन ये बना दी 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 ठीक है ये चार लाइन बना दी तुमने और ये जो कोलिनियर है आपस में बहुत सारी लाइन तो नहीं बना पाएंगे लेकिन एक लाइन तो बना लेंगे ना ये लोग एक लाइन तो बना ही लेंगे तो मैंने क्या बोला वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सी टू फाइव सी टू कितना होता है टेन वैसे तो टेन लाइन बन सकती थी लेकिन चार कोल इनियर है तो फोर सी टू उनकी वजह से फोर्थ इन ट्वेल्व इंटू सिक्स बन नहीं पाएंगी तो बनेंगी चार लेकिन ये जो चारों कोल इनियर है वो मिलाकर एक लाइन बना देंगे ओ अच्छा 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 ओके ओके इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच लाइन बन गई उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई है बाउंसर जाएगा भाई जब ओरिजिनल क्लास में इस चीज को पढ़ा था अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ पाए थे तो अभी बाउंसर चला जाएगा पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर कुछ हमको बनता रहे अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जिसको लोग छोड़ते हैं उसमें इतना आगे जाके तुमको बाउंसर आ रहा तो भी तुमको खुश होना चाहिए कि चलो भाई यहां तक तो बन गया था यस और नो अगला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जहां पर कुछ पॉइंट कोलिनियर हो तो मैं बोलूंगा देखो यार जितने भी पॉइंट्स हैं पहले उससे बताओ कितने मैक्सिमम ट्राइंगल्स बन सकते थे फिर जितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनकी वजह से ट्राइंगल नहीं बन पाएंगे उनको माइनस कर देना तो जितने कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल नहीं बन पाते उतना माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ पैरलेलोग्राम पैरेलेलोग्राम कैसा बनता है सर पैरेलेलोग्राम बनता है सर जिसमें दो पैरेलल लाइन वर्टिकल होती हैं और दो पैरेलल लाइन दूसरे साइड वाली होती हैं तो मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी लाइन्स हैं तो उनमें से तुमको कोई दो लाइन चुननी है मान लो तुम्हारी ऐसे ऐसे भी बहुत सारी लाइन है तो इसमें से कोई दो लाइन चुननी है तो कुछ नहीं एन सी टू एम सी टू तो फ्रॉम वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस यू हैव टू सेलेक्ट एनी टू लाइन फ्रॉम अदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस यू हैव टू सेलेक्ट टू लाइन एन सी टू इन एम सी टू और आखिरी है नंबर ऑफ डायगनल विथ एन साइड्स अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले नंबर ऑफ डायगनल कैसे निकालोगे तो तुम बोलोगे देखो भाई कोई भी पॉइंट से टोटल जितनी भी लाइंस बनती वो हो गई एनसी टू उसमें से जितनी लाइन पॉलीगॉन को बनाने में यूज हो गई वो हो जाएंगी एन जो बाकी एक्स्ट्रा लाइन बच जाती है ना उन्हीं को तो हम लोग डायगोनल बोलते हैं जैसे समझो अगर तुम्हारे पास चार पॉइंट्स एक दो तीन चार इन चार पॉइंट से तुम्हारे पास चार लाइन तो वैसी बन जाएंगी वो पॉलीगोन बनाने में यूज हो गई अब जो एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी वही तो डायगोनल कहलाएंगी ना इसीलिए पहले टोटल लाइन निकाला टोटल लाइन में से कितनी लाइन पॉलीगॉन में यूज़ हो गई जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस बची वही तुम्हारी नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स कहला गई नंबर ऑफ डायगोनल्स कहला गई यस और नो ये लो भाई इंद्रिय सर आगत जय हो प्रभु बोलते हुए प्रभु तो आप हैं सर प्रभु तो आप हैं तो स्वागत है आपका जोरदार स्वागत है भाई हमारी क्लास में किनके पांव पड़े भाई सोचो सोचो आईजी बाबा सबका मालिक एक मिस्टर आईजी तो बहुत मज़ा आ गया आईजी सर का स्वागत है हमारी क्लास में आइए सर और थोड़ा क्लास को और जोश के साथ भर दीजिए स्वागत है आपका ज़ोरदार तरीके से तो नंबर अच्छा आईजी सर को सारे बच्चे बता दो हम लोगों ने एक नया तरीका कौन सा निकाला है जै ज़ ऊ जा तो हम लोग क्या कर रहे थे उसका कॉम्बो बना के बता दो आई सर को चलो तो नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन्स ऑप्टेंड बाय joining 16 points no three of them being on the same line no three of them being on the same line अब तुमको बोल रहा है 16 पॉइंट है 16 में से तुमको लाइन्स बनानी है लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए तो कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो तुम कितनी लाइन्स तुम बना सकते हो तो मैंने बोला 16 में से दो तो सर इसका क्या यूज़ है अरे इसका कोई यूज़ नहीं है बोल रहा है कि कोई भी कोल नहीं है तो तुमको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कोई भी को लिनियर नहीं है। बस दैट्स इट कोई भी कोल नहीं है ठीक है चलो भाई इतना ज़्यादा स्पैमिंग हो गया है ना कि सारे कॉमेंट्स हाइड हो रहे हैं इतना ज़्यादा स्पैमिंग हो गया है ना कि सारे कॉमेंट्स हाइड हो रहे हैं आप लोगों के वो ऑटोमेटिक हाइड हो रहे हैं सारे के सारे <laughs> तो कुछ मत करो भाई रहने दो <laughs> मेहनत करने से मतलब नहीं है अब देखो ट्वेल्व पॉइंट्स तुम्हारे पास दिए हुए हैं प्लेन में जिसमें से कि पांच को हैं तो पहले तुम ये बोलोगे कि देखो बारह पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं दो सौ बीस अब जो पांच पॉइंट्स तुम्हारे को हैं एक लाइन में उनकी वजह से कम ट्राइंगल बनते हैं तो कितने ट्राइंगल उनकी वजह से नहीं बन पाते सर दस ट्राइंगल नहीं बन पा रहे तो नेट कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 210 भाई पढ़ाई भी कर लो थोड़ी दस मिनट बाद तो सर मिलने ही वाले पढ़ाई भी कर लो यार थोड़ी ऐसा मत करो यार सुनी <laughs> so, नहीं कोई ब्लॉक नहीं हुआ है बेटा पढ़ाई में ध्यान दे दो कोई भी ब्लॉक नहीं हुआ है नंबर ऑफ पैरेले दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स ध्यान से सुनिएगा आपके पास चार पैरेलल लाइन इस तरफ दी हुई हैं एक दो तीन चार और चार पैरेलल लाइन ऐसे खड़ी दी हुई हैं तीन एक दो तीन अब आपको पैरलो बनाने के लिए इन चारों में से कोई दो चुननी है और इन तीनों में से कोई दो चुननी है तो चार में से कोई दो चुना तो तीन में से कोई दो चुना और फिर क्योंकि पैरलो बनाने के लिए दोनों चीज़ एक साथ चाहिए तो दोनों के बीच में एंड लगेगा ना इसलिए मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया यस कूल परफेक्ट नंबर ऑफ डाइग्नल्स इन अ डेकागोन डेकागोन मतलब तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स रहे होंगे दस अभी दस पॉइंट्स से तुम कितनी पॉसिबल लाइन्स बना सकते हो टेन से टू फोर्टी फाइव उसमें से दस लाइन तो तुम्हारी डेकागोन बनाने में निकल गई तो जो एक्स्ट्रा थर्टी फाइव बचीं वो क्या कहलाएंगी तुम्हारी डायगोनल्स अब ये देखो सर्कल वाला जैसे हम प्लेन में दो पॉइंट्स को जोड़कर लाइन बनाते हैं ना वैसे सर्कल के सर्कम के दो पॉइंट्स उठाकर और उसको जोड़कर हम लोग बनाते हैं कॉर्ड क्या बनाते हैं कॉर्ड अब आपके पास एट पॉइंट मान लो एट में से आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनानी है तो ये तो एज गुड एज स्ट्रेट लाइन वाला सवाल हो गया ना कि आठ में से दो पॉइंट चुन लो तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स इसमें क्या टफ है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा क्वेश्चन है भाई एकदम स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन वेरी इजी नाउ अब आता है सर स्पेशल फॉर्मूला एक चीज होती है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन प्लस टेकन आर एट अ टाइम फिर तुम उसमें से बोलते हो कि वन थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड अब एक चीज ऑलरेडी आपको पता है इंक्लूडेड है इंक्लूडेड है ही है जो चु, ऑलरेडी चुनी जा चुकी है जब आपको पता ही ऑलरेडी चुनी जा चुकी है तो फिर उसको क्यों चुन रहे हो तो एन प्लस वन में से एन ही बचेगा एक और दूसरा है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच स्पेसिफाइड थिंग इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड उसको लेना ही नहीं है तो फिर वो एन से भी चला जाएगा और आर से भी चला जाएगा क्या आप मेरी बात समझ रहे हो जैसे वहां पर हमने कल नहीं किया था परमिटेशन विद रेस्ट्रिक्शन कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी बात बदल जाती है क्या थोड़ी सी बदल जाती है मान लो टोटल एन प्लस वन चीजें हैं एक चीज ऑलरेडी चुनी जा चुकी है एक चीज़ ऑलरेडी चुनी जा चुकी है तो जब ऑलरेडी एक चीज़ चुनी जा चुकी है तो फिर उसको चुनने की जरूरत ही नहीं समझ रहे हो बात को तो उसको चुनने की जरूरत ही नहीं तो एन सी आर माइनस वन और जहां पर एक चीज बोल रहा है तुमको ऑलवेज एक्सक्लूडेड तो उसको काउंट ही मत करो एन प्लस वन खत्म बात ठीक है हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपने कहा मैं नहीं आऊँगा कहाँ अच्छा <laughs> अब सुनो भाई अदर क्वेश्चन ऑन कॉम्बिनेशन जैसे ये वाला क्वेश्चन भाई ऑप्शन से करना है ये वाला क्वेश्चन छोड़ना है छोड़ना छोड़ना इतना लेंदी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं कहाँ किया भाई मैंने इनको हाँ अब ये वाला एक फॉर्मूला था ना फॉर्मूला था ना भाई अगर आपके पास एन दिया है और आपके पास एन सी आर माइनस वन दिया हुआ है तो क्योंकि दोनों के एन सेम है तो एन बढ़कर एन प्लस वन हो जाएगा और दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ले लोगे हमने ऐसे ही रटा था ना इसको अरे सर आप तो रटवाते हो आप तो रटवाते हो ऐसे ही तो रटा था ना हमने ऐसे ही तो रटा था एन सी आर एन सी आर माइनस वन दोनों का एन अगर बराबर हो और आर में एक का गैप हो तो बड़ा वाला आर ले लेते हैं तो एन प्लस वन सी आर क्या आपको मेरी बात समझ में आई जी आई जी आई जी आई जी? जी समझ में आई जी आई ठीक है सर तो नाइन्टी टू नाइन्टी वन एक का गैप है फोर नाइन्टी नाइन फाइव हंड्रेड बना है फोर नाइन्टी नाइन फाइव हंड्रेड बना होगा क्योंकि यहाँ भी फोर नाइन्टी नाइन होगा मतलब एन की वैल्यू फोर नाइन्टी नाइन सिंपल चलो ओके रिपोर्ट <laughs> जबरदस्त चलिए सर ये वाला आपको डिलीट करना है मैंने पहले ही बोला था ये वाला क्वेश्चन करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्शन ओ भाई चुनाव का समय आ गया है ओ भैया चुनाव का समय आ गया है एक अजीब टाइप का इलेक्शन हो रहा है जिसमें पांच लोग खड़े हैं और तीन विजेता बनेंगे हद हो गई यार तो फिर वोटर क्या करेगा जाके एक को वोट देगा कितने को वोट देगा तो क्वेश्चन बोल रहा है वोटर जाएगा उसके पास ऑप्शन है चाहे तो किसी एक को वोट दे दे चाहे तो किसी दो को वोट दे दे चाहे तो तीन को मैक्सिमम वोट दे दे क्योंकि तीन लोगों को जितवाना है ना तो तुम्हारे पास ऑप्शन है तीन वोट्स देने के अब तुम्हारी मर्जी तुम्हें मात्र एक को देना तो एक को दे दो दो को देना तो दो को तीन को देना तो तीन को तो या तो पांच में से किसी एक को वोट दे के आऊंगा मैं या तो पांच में से किसी दो को वोट देकर आऊंगा या पांच में से किसी तीन को वोट देकर आऊंगा बस सिंपल फाइव सी वन फाइव सी टू फाइव सी थ्री सिंपल डन जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट जल्दी बताइए सुप्रीम कोर्ट में बेंच का मतलब क्या होता है सर बेंच का मतलब वही जिस लकड़ी की बेंच जिसमें बैठते हैं नहीं भैया बेंच का मतलब बेंच ऑफ जजेस ग्रुप ऑफ जजेस ग्रुप ऑफ जजेस को जनरली ऑर्ड नंबर में रखा जाता है क्यों रखा जाता है क्योंकि कोई भी एक अगर तुम्हारा डिसीजन लेना है तो एक जज नहीं देगा आंसर सारे जज मिलकर देंगे और जिस तरफ मेजोरिटी रहेगी उस तरफ विजेता प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इसको कैसे करते हैं सर इसको हम करते हैं ऐसे कि मान लो सिक्स टू थ्री डिसीजन लिखा हुआ है उससे तुम्हें हिंट मिल जाती कि हमारे पास टोटल नाइन जजेस हैं ओ क्योंकि छः ने एक तरफ डिसीज़न दिया तीन ने एक तरफ दिया टोटल नाइन जजेस अब उस नाइन जजेस में से आपसे पूछ रहा है कि मेजोरिटी डिसीजन लाने के कितने तरीके हैं तो मैंने बोला मेजॉरिटी लाने के तरीके हैं नाइन में से या तो पाँच नाइन में से या तो छः नाइन में से या तो सात नाइन में से या तो आठ नाइन में से या तो नौ के नौ तुम्हारे साइड हो जाएं तो मेजोरिटी आ जाएगी इसी को हमने सॉल्व कर दिया नाइन सी फाइव नाइन सी सिक्स नाइन सी सेवन नाइन सी एट नाइन सी नाइन आंसर आ गया टू फिफ्टी सिक्स और फिर आखिरी सवाल था कि आपके पास पांच बल्ब हैं जिसमें से आपके पास तो पांच बल्ब है उसमें से तीन डिफेक्टिव हैं अब बल्ब पॉइंट लगे हुए हैं घर में दो बल्ब पॉइंट आप रेंडमली बल्ब निकाल के उसमें लगा रहे हो देख रहे हो कि रूम में लाइट आती है कि नहीं अंधेरा है वहां पर अंधेरा कायम रहे तो कितने तरीकों से लाइट आ जाएगी तो तुम बोलोगे यार देखो लाइट आ जाए रूम में इसके लिए कम से कम लाइट रूम में आ जाए इसके लिए मेरे पास कम से कम मिनिमम एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब चुना जाना चाहिए मिनिमम वन नॉन डिफेक्टिव बल्ब तो मैंने बोला या तो एक नॉन डिफेक्टिव चुन लिया जाए और एक डिफेक्टिव चुन लिया जाए या तो दोनों नॉन डिफेक्टिव चुन लो फिर तो भाई मजा ही मजा है डबल डबल लाइट हो जाएगी पर अगर आपको रूम को लाइट करवाना है ना तो मिनिमम एक लाइट वाला बल्ब नॉन डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए फिर आया था सर कि अभी तक हम लोग जो भी परम्यूटेशन के क्वेश्चन कर रहे थे जैसे स्क्वायर का किया कंप्यूटर का किया उसके बाद डॉगमेटिक का किया इन सब में लेटर्स यूनिक थे लेकिन अगर हमारे लेटर्स एक जैसे हो जाए तो, तो क्या करते हैं सर बड़ा सिंपल होता है कुछ भी नहीं करना होता यार एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन एन टू एन थ्री मतलब जैसे ये कैलकुलस है तुम्हारे पास कैलकुलस तो पहले देखो कैलकुलस में कितने लेटर हैं आठ फिर जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं जैसे सी दो बार रिपीट हो रहा है एल दो बार रिपीट हो रहा है यू दो बार रिपीट हो रहा है तो उतने से डिवाइड कर दो बात खत्म डन डना डन डन चिल ये देखो बिलियर्ड्स का हमने पूरा वो बनाया था फिर हमने बोले देखो सेवनटीन बिलियर्ड्स बॉल हैं जिसमें से कि सेवन ब्लैक हैं छः रेड हैं और तुम्हारे पास चार व्हाइट हैं अब तुमसे बोल रहा चलो इनको अरेंज करो तो मैंने बोला सेवनटीन बॉल्स को अरेंज करने का सेवनटीन फैक्टोरियल लेकिन वो जो काली काली बॉल हैं सात बॉल उनके बीच में तो मैं कुछ फर्क ही नहीं निकाल पा रहा तो उतना फैक्टोरियल डिवाइड कर दूंगा क्योंकि तो वो अलाइक है सेम है सिंपल नाउ कलकत्ता और अमेरिका कलकत्ता और अमेरिका तो कलकत्ता में भी वही है एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू 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 अमेरिका में सेवन फैक्टोरियल और सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है ए तो अपॉन टू फैक्टोरियल फिर दोनों को डिवाइड कर दिया आंसर आ गया कॉमर्स में भी वही था लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ दो दो आंसर थे सर पेपर में दो दो आंसर आ गए तो क्या करेंगे बेटा सर पटक लेना अरे यार पेपर में नहीं आते यार पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसका एक ही आंसर होता है तो लोड नहीं लेने का ज़्यादा वो क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं कभी कभी ऐसे समझने के लिए अब सुनो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेट अपियर ऑल्टरनेट भाई देखो अपूर्णा वर्ड में तीन कॉन्सोनेट हैं तीन वॉवेल हैं ठीक है सर तीन कॉन्सोनेट तीन वॉवेल अब तुमको क्या करना है इनको रीअरेंज करके तुम्हें नंबर ऑफ वर्ड्स बताने तो मैं देखो कर तो दूंगा प्रॉब्लम नहीं है पर अब ये बोल रहा है ना कि ऑल्टरनेट होना चाहिए तो ऑल्टरनेट में ये तो बताया कि ईवन कौन सा ऑड कौन सा तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस आ गई या तो तुम अपने वॉवल्स को ऑड में रख दो और क्या बोलते हैं तुम्हारे कॉन्सोनेंट को ईवन में रख दो या तो फिर उसका उल्टा है ना तो दोनों तरीके से तुमको करके देखना पड़ेगा और दोनों तरीके से तुम्हारा आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल लेकिन लेकिन जब तुम अपूर्णा वर्ड देखोगे तो तुमको दिखेगा अरे यार अपूर्णा के अंदर तो ए दो बार रिपीट हो रहा है तो जो भी तुम्हारे दोनों के आंसर आएंगे ना उसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा तो देख रहे हो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए इसके अंदर ऑल द कॉन्सेप्ट आर मिक्सड टूगेदर अच्छा अब मुझे बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं सर दोनों को प्लस करोगे क्यों क्योंकि या तो अल्टरनेट ऐसा हो सकता है कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल या तो फिर तुम्हारा अरेंजमेंट हो सकता है वोवेल 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 कॉन्सोनेंट 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 तो इट्स 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 और 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 एन एन ठीक है चलो आपको पता है आप एक्सरसाइज फाइव डी कर रहे हो जो जनरली छुड़वाई जाती है आपको पता है आप रिवीजन में भी एक्सरसाइज फाइव डी कर रहे थे तो बस इतना काफ़ी है इतना काफ़ी है मैं यहीं पर रिवीजन रोक रहा हूँ फाइव डी करने की कोई जरूरत नहीं है जिन लोगों ने किया था उनको भाई बहुत मजा आया होगा और बाकी जितना हमने पी कर लिया इट इज़ मोर देन सफिशेंट तो सही बताइए मुझे आपको कैसा लगा भाई मज़ा आया कि नहीं मजा आया तो इसी के साथ होता है सर हमारा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सुपर क्विक रिविजन डन सो नाउ लेट मी टेल यू गाइज प्री एग्जाम मैराथन आपकी बहुत अच्छे से चली सारी कल से हमने काफी सारे सेशंस आप लोगों ने अटेंड किए होंगे हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग थ्योरी एमसीक्यूज अब सिर्फ एक ही चीज बची है टुमारो मॉर्निंग एट सेवन ए आपकी पहली वार्म अप क्विज होने वाली जिसमें फिफ्टी एमसी रहेंगे और उसके बाद आठ बज के पांच मिनट में दूसरी एमसीक्यू केस जिसमें अगेन फिफ्टी एमसी क्यूज रहेंगे तो हंड्रेड एमसीक्यूज कह सकते हो आपकी पूरा का पूरा आपका पेपर जो है उसका एक मॉक टेस्ट पेपर जैसा आपका कल सुबह हंड्रेड एमसीक्यूज वाला हो जाएगा विद इन टू आवर्स उतने ही समय में तो बिल्कुल भाई ज्वाइन कर लीजिएगा अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल वार्म अप में आ ही जाना है आप लोगों को विदाउट एनी डाउट ठीक है सर चलिए गुड सो आप लोग अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं बाय बायमी लर्निंग एप डाउनलोड करके स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में और वहां पर आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है सीए पी आर यानी अनलॉक करने के लिए फ्री क्लासेस को हमारे पास जो प्रॉपर बैचेस होती हैं वो पेड क्लासेस के अंदर आती हैं जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस के साथ एन अकेडमी प्लस या फिर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मटेरियल के साथ लाइक पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर एक्सपर्ट गाइडलाइन के साथ आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आपके सामने चार्जेस विजिबल हैं बस आपको सी एपीआर कोड लगाना है तो ये सारे जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं जो आपकी प्राइजेस दिख रही हैं उसमें टेन परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बैलाइकन जरूर प्रेस करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट सी यू बाय बाय